तुरंत गर्मी महसूस होती है और फिर वो निकालना ही पड़ती है. यू यू कैनॉट वेयर इट इफ द टेम्परेचर गोज अ लिटिल वार्मर. इमीडिएटली यू कैन फील द वार्म. See, that is the beauty of this, you know, Kashmiri shawls and the caps and all, as well as the, हम इसको अफगान जरूर बोलते हैं लेकिन ये एक्चुअली इंडियन मेड ही रहती होगी शायद, बट मे बी हाँ, बट एट द सेम टाइम इफ यू गो फॉर, अभी देखिए जो पीछे जो है ना, मैंने ये कश्मीरी शॉल रखी हुई है, दिस वन इतनी पतली है लेकिन सुबह के सेशंस में मैं क्या करता हूँ, खाली ऐसे डाल के रखता हूँ, दैट इटसेल्फ इज इनफ, गिव्स लॉट ऑफ वार्मथ. एनीवेज, वी विल स्टार्ट, वी नीड टू स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर टुडे. That is related to mudras. So we will start with the Omkar, requesting you all to sit with your spine erect, keeping your shoulders proper, chin parallel to the floor. Just allow your whole body to settle down, relax there. Inhale. Gently open your eyes. Today we are going to start with this third chapter, which is related to mudra. Yes, Sunil bhai, boliye. Of the 32 asanas mentioned in the previous chapter, in your you know, experience and view, what are those you know, among these which ideally should be practiced every day? एवरी डे अगर प्रैक्टिस की बात करेंगे तो ऑफकोर्स वी शुड ऑलवेज डू सिद्धासन, पद्मासन एंड योगासन, वीरासन. दीज आर द प्रैक्टिसेस दैट वी शुड बी एडिंग इन टू अवर सिटिंग पोजिशंस. उसके साथ साथ जो है, अगर आप दंडस्थ स्थिति को ले लें तो वृक्षासन आना ही चाहिए. हाँ, और दंडासन वाली स्थिति के अंदर जो है, और ज्यादा आसन इसमें तो है नहीं, बट एट द सेम टाइम बैठक स्थिति में ही ज्यादा है. और अगर आप देखें तो लाइंग डाउन पोजीशन में जो है, जितने इंपॉर्टेंट पोस्चर्स हैं उसका वर्णन यहाँ पर है. अगर आप सुपाइन पोजीशन ले लें तो आपका विपरीत करनी तो खैर मुद्रा में आएगा, बट भुजंगासन आप देख सकते हैं, शलभासन आप देख सकते हैं, मकर आसन आप देख सकते हैं. These are the postures which are there. और उसके साथ साथ जो है, हम ये भी देखते हैं कि the postures like उष्ट्रासन, जो यहाँ पर जो वर्णन दिया हुआ है वो हमारे लिए इतना comfortable नहीं है, लेकिन गौमुख आसन बैठक स्थिति में है और स्वस्तिक आसन है. और फिर से lying down position के अंदर अगर मैं बताऊं कि भाई अपना धनुरासन इज ऑल्सो वन ऑफ द आसन, मत्स्यासन है, पश्चिमोत्तानासन है और अर्ध मत्स्येन्द्रासन है. और खास करके हमारे एज में ये अवॉइड करना चाहिए कि हम उत्कट आसन करें, बिकॉज नी का जो इश्यू होता है वो हमको अलाउ नहीं करता इस एज में प्रैक्टिस करने के लिए. बट एट द सेम टाइम इफ यू कैन मैनेज टू डू, यू शुड डू उत्कट आसन. That is always beneficial. Or Mandukasan. Mandukasan is one of the most important asan. मतलब दोनों भी, Mandukasan और Uttana Mandukasan, जहां पर आप वज्रासन में बैठकर दोनों घुटनों को अलग कर देते हैं तो वो मंडुक हो जाता है,
और दोनों हाथों को सर के ऊपर उठाकर अगर आप अपने शोल्डर ब्लेड्स के पास ऑपोजिट शोल्डर ब्लेड्स पे रखते हैं तो वो हो जाता है आपका उत्तान मंडुकासन. उत्तान मंडुकासन वी यूजुअली टीच टू पीपल हु आर हैविंग आस्थमा और ब्रेथलेसनेस इश्यूज, और जिनको जो है इवन ट्यूबरक्लोसिस वगैरह जो होती है, जिनके श्वसन क्षमता जो है बहुत कम होती है, तो उनके सीने की फसलियों को एक्सरसाइज करवा कर उनकी स्ट्रेचिंग की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आसन, दैट इज उत्तान मंडुकासन. खास करके जब आप वो मंडुकासन की स्थिति में बैठकर हाथ को ऊपर उठाकर पीछे ले जाते हो, इट इज नॉट वेरी इजी इवन फॉर अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन टू डू इट इजिली. वो दिखने में ऐसा लगता है कि हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब आप करते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन आ जाती है हमारे शोल्डर खास करके स्पाइन के साथ में. फिर आपका शलभासन मकरासन तो मैंने बताया, भुजंगासन तो है ही. इसके बाद में जो है आसन जैसे कि आपका गरुड़ासन, जिस तरह से इसमें बताया गया है वो चैलेंजिंग हो जाता है थोड़ा आपके लिए, और वृषासन भी जो है थोड़ा सा हमारे एज ग्रुप के लिए चैलेंजिंग हो जाता है, यंग बच्चों के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो भी हम कर सकते हैं. जैसे गोरक्षासन गुप्तासन दिया हुआ है, तो एज ए प्रिपरेशन फॉर सिद्धासन हम उनका अभ्यास कर सकते हैं. और स्वस्तिकासन वज्रासन जैसे हम रूटीन क्लास में करते हैं, अगर हम वैसे करें तो दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर द प्रैक्टिस ऑफ वॉट यू कैन से आप सिद्धासन भी बोल सकते हैं पद्मासन भी बोल सकते हैं. दोनों के को पाने के लिए जो है अगर कभी आप स्वस्तिकासन करें रेगुलरली वज्रासन के साथ साथ, तो आपका पद्मासन के लिए और इसके लिए दोनों के लिए तैयारी होती है. और खास करके पद्मासन जब हम बद्ध पद्मासन करते हैं, यानी हाथों को पीछे ले जाकर क्रॉस करके सेम पैरों के अंगूठों को हम पकड़ लेते हैं, दैट विल बिकम चैलेंजिंग फॉर अस. बट द वे आशुतोष सर डू फॉर हिम बद्ध पद्मासन इज नॉट फार अवे बिकॉज हिज पद्मासन इज वेरी नाइस, तो एट द सेम टाइम ही कैन अटेम्प्ट इट बिकॉज ही डज इट वेरी इजिली एंड हिज सिटिंग पोजिशन इज नॉट स्ट्रेनिंग ऑन हिज नीज, सो ही कैन गो अहेड फॉर दैट. इवन मैंने आपको भी देखा है सुनील भाई, आप भी बहुत अच्छा पद्मासन करते हैं, मेरे से नहीं होता इतना अच्छा जितना आप करते हैं. तो हियर समवेयर जो है अगर हमारी बॉडी की एबिलिटी हमको सपोर्ट करती है तो हमको रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए. वैसे आप क्या करें, एक सीक्वेंस बनाएं कि समझो आज आपने डिसाइड कर लिया कि आज मंगलवार का दिन है और मैंने सिर्फ आज आसन का ही अभ्यास करना है, 45 मिनट्स आई एम गोइंग टू डू आसन. वो 45 मिनट्स के अंदर जो है आप 16 आसन को आप जॉट डाउन कर लीजिए. वो 16 आसन जो है ना ऐसे होने चाहिए कि शुरुआत के 4 आसन जो है आप बैठ कर रहे हैं, उसके बाद के जो 4 आसन है वो आप खड़े होकर कर रहे हैं जी. उसके बाद के जो 4 आसन है वो पीठ के बल लेटकर कर रहे हैं, और उसके बाद के जो 4 आसन है वो आप जो है पेट के बल लेटकर कर रहे हैं. जब इस तरह से आप ये 16 आसन कर लेते हैं ना, तो आपको मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ आज मैंने अच्छी तरह से मेरे बॉडी का मोबिलाइजेशन कर लिया. उसके बाद में आप शवासन कीजिए पहले, क्योंकि 45 मिनट्स की कंटिन्यूस प्रैक्टिस के बाद में इट इज वेरी एसेंशियल दैट यू डू शवासन एंड देन डू प्राणायाम इफ यू हैव टाइम. ऐसा, और कभी आपको ऐसा लगे कि आज सुबह वक्त नहीं मिला, मेरे पास आज वक्त शाम को ही मिल रहा है, और दिन भर के भागदौड़ के बाद में आज आपने डिसाइड कर लिया कि शाम को 6-7 बजे के आसपास जो है आप आसन करने के लिए या योगाभ्यास करने के लिए बैठे हैं, तो पहले आप शवासन कीजिए. You start with prayer, no doubt. As soon as the prayer is done, at least for 5 minutes, you lie down and give instructions for the whole body to relax. That is where you come in the mode of practicing yoga. And then you start practicing and again end with shavasana if you want. ऐसे भी हम कर सकते हैं. ये मैं कई बार अपने खुद के साथ में करता हूँ and I have felt that relief out of it. So shavasana. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको आसन के बाद ही करना चाहिए या प्राणायाम के बाद करना चाहिए या कब करना चाहिए. शवासन एक ऐसा आसन है वो आप कभी भी कर सकते हैं. इनफैक्ट कभी कभी मेरे साथ में ऐसा होता है, खास करके जब गर्मी के दिन होते हैं ना, तो उस समय ऐसा होता है कि करते प्रैक्टिस करते करते बीच में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थकान महसूस हो रही है, मे बी बिकॉज ऑफ सम अदर स्ट्रेस ऑल्सो. सो वॉट आई डू, आई टेक अ 3 मिनट्स ब्रेक एंड लाई डाउन ऑन माई बैक एंड डू शवासन.
और वो 3 मिनट के शवासन के अंदर आपको ऐसा लगता है कि आप फ्रेश हो गए एंड देन यू अगेन स्टार्ट विथ. तो शवासन का कोई मतलब ऐसा रूल नहीं है कि भाई आपको पहले ही करना चाहिए, बीच में करना चाहिए, बाद में करना चाहिए. आप उसको अपने हिसाब से एम्प्लॉय करें और उसको इंक्लूड करें एंड इट विल बी वंडरफुल फॉर योर योगिक प्रैक्टिसेस. दैट वे यू कैन ऑलवेज डिजाइन. ये बड़ा अच्छी बात कही सागर भाई आपने कि एक आसन का सीक्वेंस बनाया जाए. तो क्या इसमें कुछ प्रिंसिपल्स ध्यान में रखने के हैं? फॉर एग्जाम्पल कि जैसे पोज फॉलोड बाय काउंटर पोज, अगर फॉरवर्ड बेंडिंग है तो बैकवर्ड बेंडिंग, क्या ये होना चाहिए? हमेशा ऐसा ही होना चाहिए कि भाई अगर हमेशा ऐसे ही होना चाहिए तो जैसे पत्ते पश्चिमोत्तानासन किया मान लीजिए, तो क्या उसके बाद तुरंत बाद हमको भुजंगासन करना है या पश्चिमोत्तानासन के बाद एक और लेट्स से अपन ने शशांकासन किया तो पूरी सीक्वेंस अपन बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग कर ले फिर पूरा सीक्वेंस बैकवर्ड बेंडिंग कर ले, ऐसा बेटर है या 1+1 करते जाएं वो बेटर है? That depends upon a person's body. अब जो stiff body होती है वो stiff body को forward bend के बाद में अगर आप forward bend देंगे तो that will be the strain on those muscles. तो हम उनको suggest करते हैं कि if you are done with one forward bend, it is better to go for the other backward bend. तो वो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि उसका बिल्कुल opposite पूरक जो है हमको करना चाहिए. अब आप flexible हैं, आपने एक फॉरवर्ड बेंड अगर कभी पश्चिमोत्तानासन किया और आपको ऐसे लग रहा है कि देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग बैकवर्ड बेंड, आप हलासन कर लीजिए. पश्चिमोत्तानासन करने के बाद में आप पीठ के बल लेट गए और हलासन कर लिए, क्योंकि शशांकासन आप करते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, एज अ फॉरवर्ड बेंड इट इज अ गुड प्रैक्टिस, बट एट द सेम टाइम इट विल बी मोर रिलैक्सिंग रादर देन गिव इम्पैक्ट ऑन द बॉडी. तो बॉडी के ऊपर जैसे पश्चिमोत्तानासन का आपका इम्पैक्ट आया, कहीं खिंचाव अच्छी तरह से महसूस हुआ आपको हैमस्ट्रिंग पर, उसी तरह का बैक के ऊपर अगर कभी आपको अच्छा खिंचाव महसूस करना है तो देन यू शुड गो फॉर अ हलासन. तो दोनों फॉरवर्ड बेंड है और वो दोनों फॉरवर्ड बेंड करने के बाद में अगर आप पीठ के बल लेटकर चक्रासन भी कर लिए या पेट के बल लेटकर आपने धनुरासन भी कर लिया तो दैट विल गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट. मीन्स आफ्टर टू फॉरवर्ड बेंड यू आर डूइंग वन बैकवर्ड बेंड. और कई बार ऐसे होता है कि टू बैकवर्ड बेंड आई मेक इंसिस्ट दैट नाउ यू डू वन फॉरवर्ड बेंड. आपको याद होगा जब हम लोग सुबह प्रैक्टिस कर रहे थे तो कई बार ऐसे होता था कि मैंने आज सिटिंग के अंदर ले ली आपका, तो सिटिंग के अंदर तो वो सब कुछ आ जाता था, लेकिन जब सुपाइन लेता हूं तो सुपाइन सारे सुपाइन पोजीशन में 4-5 आसन लेके फिर एक आसन जो है आपको बैकवर्ड बेंड वाला, जैसे कि पवन मुक्तासन आपने कर लिया, अर्धहलासन कर लिया, उत्तानपादासन यानी पैरों को उठाकर 30 डिग्री में या 60 डिग्री में मेंटेन कर लिया, उसके बाद में पीठ के बल लेटकर अगर आप सेतु बंदासन करते हैं दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर देम, क्योंकि सेतु बंदासन भले सुपाइन हो बट इट इज अ बैकवर्ड बेंड, सो इट इज वेरी हेल्पफुल. सो दैट वे नॉट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, ऐसा बिल्कुल नहीं है. एवरी इंडिविजुअल बॉडी इज डिफरेंट एंड दैट पर्सन शुड अंडरस्टैंड कि वेयर आई फील more better or more involved and more relaxed. See, relaxation should be our goal. कई बार क्या होता है कि practice करने के बाद में लोग थक जाते हैं और थकने के बाद में उनको ऐसा एहसास होता है कि अब एक छुट्टी ले लेते हैं, कल नहीं करेंगे, we will take a break. आसन का ऐसा नहीं है. आसन का अभ्यास ऐसे होना चाहिए कि आज किया तो कल आपको और एक motivation मिलना चाहिए कि let me continue today also. Exercise के अंदर आप ये बिल्कुल कर सकते हैं कि भाई आज के 24 घंटे में मैंने 1.5 घंटा व्यायाम किया तो कल के 24 घंटे में वो 1.5 घंटा जो है मैं आराम करूंगा या फिर कोई ऐसा अभ्यास करूंगा जिससे मेरे शरीर को आराम ही मिले. दैट इज ऑलवेज एसेंशियल. कभी कभी क्या होता है कि जिम का भी स्पेसिफिक रूल है कि भाई आज अगर कभी आपने वेट ट्रेनिंग की तो कल आपको वो वेट ट्रेनिंग करने नहीं देंगे, आपको बोलेंगे आज आप कार्डियो करो, आज आप सिंपल स्ट्रेचेस करो, आज आप वेट ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं, क्योंकि मसल्स को उतना रेस्ट देना जरूरी है. 48 आवर्स का कभी कभी पर्टिकुलर बॉडी को रेस्ट की जरूरत, रेस्ट इन द सेंस नो एक्सरसाइज की जरूरत रहती है. तो योग में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. हाँ, सूर्य नमस्कार के बारे में आप ऐसा कर सकते हैं कि सूर्य नमस्कार आप रोज प्रैक्टिस ना करके अल्टरनेट डेज कर सकते हैं कि कल आपने किया तो आज नहीं करेंगे फिर कल करेंगे, इस तरह से आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं. लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मुझे सूर्य नमस्कार रोज करना चाहिए और वो स्लो एक कॉमन पेस में जो है रोजाना करते हैं
वो भी हेल्पफुल होता है. बट वॉट इज अवर बॉडी आस्किंग फॉर, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. इसलिए जो है ना, हम कई बार क्या करते हैं, किसी को भी एक रूटीन बना के देने से पहले हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि उसका शरीर कैसा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसके चेहरे पर जो है स्ट्रेस की निशानियां कैसे आ रही है योग करते हुए. योग के अंदर भी स्ट्रेस आता है, लेकिन वो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है. खैर, वो पॉजिटिव स्ट्रेस का मतलब क्या, ही इज एक्टिव. बट हमको एक्टिवनेस से ज्यादा क्या चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए. तो चेहरे पर है ना वो सुकून का भाव हमेशा छलकता रहना चाहिए. तो वो ऑब्जर्वेशन से ही पता चलता है, और वो खुद भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मुझे आज जो अंदर से जो है एक किक मिलती है, हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में बोलते हैं ना कि ऐसा करने से किक मिलता है, तो वो किक मिलनी चाहिए. दैट किक इज लाइक यू नो कीपिंग यू मोटिवेटेड टू कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस ऑन द अदर डे ऑल्सो. नहीं प्लीज बोलिए, हो गया. तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, सूर्य नमस्कार शुरू में करने से बाकी आसन बड़े आराम से होते हैं. जैसे चक्रासन अगर सपोज 45 सेकंड करें तो ऐसे उसको करने के बाद में ऐसे ब्रेथ यू नो वो हो जाती है, हैवी हो जाती है. वेरस अगर पहले सूर्य नमस्कार मतलब 6 राउंड कर लिए या 3 राउंड कर लिए या 9 राउंड कर लिए, इतना भी कर लें, तो फिर चक्रासन करने के बाद में ऐसे मतलब वो ब्रेथ हैवी नहीं होती, मतलब शवासन नहीं करना पड़ता फॉर टू लॉन्ग बिफोर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आसन. ये मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले कुछ दिनों. बट यू नो दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ योगा. जी क्यों पता है? सूर्य नमस्कार से क्या होता है, हमारी बॉडी अच्छी तरह से वार्म अप हो जाती है. जी. और वो मसल्स जितने मतलब हीट को फील करते हैं, तो वो हीटेड मसल्स के अंदर फिर जो हमको जो स्ट्रेचिंग मिल जाती है वगैरह जो लगता है, तो हमको लगता है तो बहुत आसान हो रहा है, अच्छा लग रहा है. वो अच्छा जरूर लगता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट उतना ही कम रहता है. ये भी आप नोट कर लीजिए. और जहां आपने सूक्ष्म व्यायाम करके जो हल्का वार्म अप होता है, एक 10 मिनट का सूक्ष्म व्यायाम किया आपने और हल्का बॉडी को वार्म अप दे दिया, उसके बाद में जो आप योगिक प्रैक्टिसेस करते हैं उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है. तो सूर्य नमस्कार करने के बाद में योग आसान हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है. फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन उसका शरीर के ऊपर जो परिणाम होने वाला है वो इतना इफेक्टिवली होगा, ये भी सही नहीं है. तो इसमें ऐसा नहीं कि कुछ नुकसान हो रहा है, देयर इज नथिंग रॉन्ग एज सच. लेकिन क्या होता है, अगर कभी हमारे एक्सटर्नल मसल्स के अंदर जो हमारा फ्लैश के जो मसल्स हैं, जो हार्ड टिश्यूज हैं हमारे बॉडी के, उसमें अगर कभी वो हल्का सा टाइटनेस है, तो जैसे ही हम योगिक प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारे अंदर के अवयवों का अच्छा मसाज होता है. लेकिन अगर कभी तुमने उसको वार्म अप करके एकदम फ्लेक्सिबल बना दिया, तो हमारे आसन का जो प्रभाव है ना, वो सुपरफिशियल लेवल पे, ग्रॉस लेवल पे ही रहता है, वो ऑर्गन के लेवल पर अंदर की तरफ नहीं जाता है. तो हमको ऑर्गन के लेवल से होते हुए हमको उसको नर्वस लेवल तक लेके जाना है, क्योंकि आसन का गोल ही होता है न्यूरो एंडोक्रिनो देन मस्क्यूलो कोऑर्डिनेशन. तो ये न्यूरो एंडोक्रिनो का जो चेंज आना चाहिए, वो सूर्य नमस्कार के बाद में अगर कभी आप आसन करेंगे तो उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा. लेकिन डायरेक्टली वार्म अप के बाद में अगर आप आसन करते हैं तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है. तो इन विच केस भाई, अगर सपोज ऐसा सीक्वेंस रखें, सूक्ष्म व्यायाम, आसन एंड लास्ट में सूर्य नमस्कार, नहीं, देन अगेन आई एम टेलिंग यू, यू विल बी कॉन्ट्राडिक्टिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सरसाइज एंड योगा. योगिक प्रिंसिपल्स आर टेलिंग अस टू गो टुवर्ड्स रिलैक्सेशन. एंड सूर्य नमस्कार इज नॉट अबाउट द रिलैक्सेशन. हाँ, सूर्य नमस्कार अगर कभी आप आसन की तरह प्रैक्टिस करते हैं, एक एक पोस्चर जो है आप समझो 15-15 सेकेंड 20-20 सेकेंड मेंटेन करके अगर आप करते हैं, तो बात अलग है. देन इट इज डिफरेंट, क्योंकि वहां पर थकान भी नहीं हो रही है, वहां पर आपके दिल की धड़कनें बढ़ती हुई भी नजर नहीं आ रही है, और आप आसन को करते जा रहे हैं और उसके बाद में दूसरे आसन भी कर रहे हैं, मतलब सूर्य नमस्कार के जो पोस्चर्स हैं वो भी कर रहे हैं और उसके बाद में दूसरे भी कर रहे हैं. दिस यू आर लाइक यू नो ब्रिंगिंग अबाउट द पैरिटी बिटवीन द वे दे बोथ आर बींग परफॉर्म. लेकिन यूजुअली हम सूर्य नमस्कार को क्या समझते हैं कि जल्दी जल्दी जो करने वाली प्रैक्टिस है उसी को हम सूर्य नमस्कार कहते हैं. तो वहां पर वो प्रिंसिपल्स आपस में झगड़े नहीं करने चाहिए,
एक्चुअली उसमें नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन जो योगिक वैल्यूज के हिसाब से जो हमको प्रॉफिट होना चाहिए, लाभ मिलने चाहिए, वो लाभ नहीं मिलेंगे। शारीरिक लाभ बहुत मिलेंगे, शारीरिक लाभ की कमी नहीं रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन जहां हम बोलते हैं ना कि नर्वस सिस्टम को हमको जो है लाभ पहुंचाना है, या हमारे माइंड को काम, क्वाइट, कंपोस्ट स्टेट में लाना है, देयर यू विल फाइंड दैट यू आर फीलिंग मोर एनर्जेटिक टू डू एंड बिकम मोर एक्टिव रादर देन सेटलिंग डाउन एंड बिकम पीसफुल। तो हमने रजस को ज्यादा अहमियत दी, इंपॉर्टेंस दिया, ना कि हमने जो है सत्व को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। हमारे योगिक प्रैक्टिसेस का गोल हमेशा इसी पर होना चाहिए कि हम किस तरह से रजस से सत्व की ओर जा रहे हैं। और सात्विक प्रैक्टिसेस क्या करती हैं, आपको इतना शांत कर देंगे कि आपको जो है ना, आपसे कोई बात भी कर रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाले बहुत अच्छी बात भी कर रहा हो, तो ऐसा लगेगा आप भी तो थोड़ा चुप ही रहो, सामने वाले को ऐसा बोलने का मन करता है कि अभी नहीं, एक एक 10-15 मिनट के बाद में हम आपसे बात करेंगे। तो द स्टेट हैज बिकम टोटली वेरी कामिंग, एंड इन दैट कामिंग इफेक्ट ऑफ स्टेट ऑफ माइंड यू डोंट लाइक एनी वन टू इंटरेक्ट विथ यू और यू इंटरेक्ट विथ अदर्स। लेकिन जब आप सूर्य नमस्कार करेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि नाउ आई वॉन्ट टू गेट अलॉन्ग विद द अदर, आई एम सो सुपर मोटिवेटेड, ऐसा लगता है। मतलब राजसिकता जो है पूरी तरह से उभर कर आ जाती है, वो गलत नहीं है, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से अच्छा है। लेकिन जब हम योग की बात करते हैं तो योग के अंदर इट इज द इंपॉर्टेंस टू द फिजिकल इज लेस रादर देन द माइंड इज मोर। पूरा योग सूत्र जो है हमारा मेंटल बेसिस पर ही टिका हुआ है। तो इस तरह से हमको ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखते हुए करते रहना। तो क्या सूर्य नमस्कार का एक डिफरेंट सेशन रखना बेहतर रहेगा? और ऑलवेज अच्छा, ऑलवेज हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को सूक्ष्म व्यायाम करवाए, सूर्य नमस्कार करा देते हैं। सूर्य नमस्कार करा दिया, दोनों प्रैक्टिस को कम से कम 20 मिनट लगते हैं। ये 20 मिनट के बाद में फिर हम क्या करते हैं कि अगले जो 10 मिनट हैं वो शरीर को रेस्ट देते हैं। अब वो रेस्ट देने का तरीका क्या है कि भाई आप शांति से बैठो, इन द सिटिंग पोजिशन इटसेल्फ यू अलाउ योर होल बॉडी टू रिलैक्स, एंड देन यू गो फॉर जप साधना या फिर सेक्शनल ब्रीदिंग या फिर प्राण धारणा। आप ओमकार जप करो तो शरीर को रिलैक्सेशन वैसे भी मिल जाता है, या प्राण धारणा करो, ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करो, शरीर को रिलैक्सेशन मिल जाता है। सेक्शनल ब्रीदिंग करो, उदर श्वसन, वक्ष श्वसन, स्कंद श्वसन, योगिक ब्रीदिंग वाला पूर्ण श्वसन, ये चारों अगर आप करते हैं तो आपका माइंड बॉडी एकदम शांत हो जाता है। उसके बाद में आप आसन का अभ्यास शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो जो 10 मिनट का जो ब्रेक है बीच में, ये 20-25 मिनट की प्रैक्टिस के बाद में जो 10 मिनट का ब्रेक है, वो आपको आसन और योग के लिए तैयार कर देता है। उसके बाद में आप 20 मिनट का आसन करके लास्ट के 10 मिनट आप प्राणायाम कीजिए, इट इज डन। तो दैट वे यू कैन ऑर्गेनाइज। हाँ, तो क्या ये जो बीच के 10 मिनट जो आपने बहुत सही बात कही है, इट्स वेरी वैल्यूएबल टिप, तो इसमें शवासन भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आइडियली ऐसे कहते हैं कि सूर्य नमस्कार करने के बाद में शवासन नहीं करना चाहिए, आप बैठकर रिलैक्स करें तो ज्यादा बेटर है, ब्रीदिंग पर फोकस करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि शरीर कैसा है, पूरी तरह से वार्म हो गया है, और अगर हम उसको लिटा भी देते हैं तो कुछ नुकसान नहीं है वैसे। लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ योग, व्हेन योर बॉडी इज नाइसली वार्म्ड अप एंड वेरी एक्टिव, देन सडनली टेकिंग इट टू अ स्टेट ऑफ रेस्ट मे नॉट बी ऑलवेज गुड। सडनली फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट यू शुड नॉट बिकम एक्टिव। अगर मैं आपको बोलूं नींद में से उठ के दौड़ना शुरू कर दो, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे मैं नहीं दौड़ूंगा, पहले लेट मी कम टू माई ओन कंपोजर, लेट मी गैदर माई विट एंड देन आई विल स्टार्ट वॉकिंग एंड देन रनिंग। ये सबका एक इश्यू। तो वो वहां पर भी हमको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि एक फास्ट एक्टिविटी के बाद में एकदम से लेट जाना इज नॉट एडवाइज्ड। लेकिन कुछ लोगों को लिटाना भी पड़ता है कभी कभी, जैसे कि कोई हाई बीपी का बंदा होता है और हमको पता चल जाता है कि सूर्य नमस्कार करने के बाद में आज इसकी बीपी जो है हाई हो गई है, तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू इन दैट स्टेट, टू मेक दैट पर्सन टू टर्न टू वन साइड एंड लाई डाउन, एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन द राइट साइड रादर देन लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में जब वो लेट जाता है तो उसको हार्ट को भी जो है आराम मिलता है, पूरे शरीर को भी आराम मिलता है, एंड द ब्लड प्रेशर का, तो देयर इज अ रीजन फॉर यू टू लाई डाउन। इफ इफ दैट रीजन इज नॉट वायबल, देन इट इज बेटर टू रिलैक्स
इन शवासन इन द सिटिंग पोजिशन. देखो शवासन का मतलब ये नहीं है कि आपको शयन स्थिति में ही शवासन करना चाहिए. शवासन कैन बी डन इन सिटिंग ऑल्सो. शवासन का मतलब ये है कि शरीर को शव की स्थिति में लेके जाना. अब शरीर को शव की स्थिति में लेके जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको लेटा कर ही उसको शव की स्थिति में ले जाना. यू कैन मेक इट हैपन इन द सिटिंग पोजिशन ऑल्सो. क्योंकि सिटिंग पोजिशन में जब आप रहते हैं तो हमारा सर हार्ट के ऊपर रहता है और हार्ट के लेवल के ऊपर नहीं आता वो, जहां की पूरा रिलैक्सेशन बहुत जल्दी आ जाता है एंड द हार्ट फेस ट्रबल टू गेट अलॉन्ग विथ इट. लेकिन जब हम बैठक की स्थिति में रहकर ही जब हम ये एक्सपीरियंस करते हैं तो एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली देर आर लॉट ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी टू हेल्प यू आउट विद दैट. So sectional breathing is a safe thing to do after the Surya Namaskar as a way of relaxation. Yes, yes, very much. क्योंकि हम slow abdominal breathing पहले experience करते हैं, फिर slow chest breathing हम experience करते हैं, फिर उसके बाद में slow हम clavicular breathing experience, फिर तीनों को मिलाकर हम पूर्ण श्वसन करते हैं. ये इतनी अच्छी practice है सूर्य नमस्कार के बाद कि वो अच्छे से होगी भी and at the same time from the first breath after Surya Namaskar to the end of the sectional breathing, it will make you realize के हकीकत में आपने अपने आप को justify किया relaxation के लिए. So sectional breathing is very important there also. और ये भी आपने सही कहा कि सूर्य नमस्कार के बाद जब body active हो जाती है तो actually breathing ज़्यादा बेहतर होगी. So that is always going to help. लेकिन ये जो late जाने वाली जो बात है ये सबको suit नहीं करती. कई लोगों को क्या होता है, हम लिटा देते हैं सूर्य नमस्कार करने के बाद में, लेकिन लिटाने के बाद में जब वो उठकर बैठते ना तो उनको चक्कर आता है. सो समवेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि द वी आर ब्रिंगिंग अबाउट ए लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द हार्ट द ब्रेन द नर्वस सिस्टम एंड द फिजिकल रेस्पॉन्स फ्रॉम अवर मसल्स. तो ये कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए आप बैठ जाओ वो बहुत अच्छी बात, लेकिन आपको लेटना अवॉइड करना चाहिए. बिल्कुल नहीं करना चाहिए मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, बट अवॉइड करना चाहिए. That is the right approach for that. आपने बिल्कुल logically ये चीज बताई है clearly. Especially मतलब कि एक बार body warm up हुई है तो एकदम ठंडा करना और फिर गर्म करना है तो body के साथ मतलब confused है. अभी तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, I think section वैसे तो हाँ sorry हाँ जी वैसे वैसे ये जो ठंडा गर्म का भी जो है ना ये भी एक principle है, लेकिन ये particular लोगों में हम use करते हैं. जैसे कि जो लोग एंग्जाइटी में रहते हैं, पीपल हु आर इन लॉट ऑफ एंग्जाइटी, तो उनको ठंडा कर देते हैं. ठंडा करने के बाद में उनके सोच के अंदर और ज्यादा नेगेटिविटी नहीं आया बोल के फिर से हमको उनको एक्टिवेट करना पड़ता है, फिर से उनको नीचे लाना, फिर एक्टिव करना, फिर नीचे लाना, फिर एक्टिव करना. तो जैसे कि अगर प्राणायाम करा रहे हैं एंग्जाइटी को कम करने के लिए, तो अगर अभी उनको अगर कभी हमने समझो सूर्य भेदन कराया, तो सूर्य भेदन कराने के बाद हम चंद्र भेदन भी कराते हैं या सितकारी कराते हैं, जबकि चंद्रभेदन अष्टकुंभक का पार्ट नहीं है, लेकिन चंद्रभेदन कराते हैं क्योंकि चंद्रभेदन कराने से जो है ना कूलिंग इफेक्ट आता है. फिर समझो भस्त्रिका करा दिया, भस्त्रिका कराने के बाद में फिर शीतकारी शीतली करा देते हैं, फिर भ्रामरी करा देते हैं. तो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द पर्सन एंड अकॉर्डिंगली सजेस्ट के भाई इसको स्टिमुलेशन रिलैक्सेशन की जरूरत है, या इसको ओनली स्टिमुलेशन की जरूरत है, या इसको ओनली रिलैक्सेशन की जरूरत है. हर इंसान का नेचर अलग होता है एंड दिस थियरी डजंट अप्लाइज टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इक्वली. वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अवर नेचर एंड व्हाट विल सूट अस बेटर एंड इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफरेंट. और जैसे प्राणायाम की अभी अपने चर्चा की, तो क्या प्राणायाम को अगर सेपरेट सेशन करके, प्राणायाम बेस्ट मॉर्निंग में ही होता है प्रिज्यूम? ऑलवेज इट इज बेस्ट इन मॉर्निंग बिकॉज देर इज अज गैप बिटवीन दी मील. आप रात को समझो 8 बजे से पहले ही आप खा लेते हैं और सुबह आप 6 बजे तक नहीं खाते, तो आपको लगभग जो है 12 घंटे का गैप वहां पर मिल जाता है. और ये 8 से 10 घंटे का गैप मिल जाता है. ये 10 घंटे का गैप जो है इतना बड़ा काम कर देता है हमारे सिस्टम पर रिलैक्सेशन के मामले में. उसके लिए फिर प्राणायाम बहुत अच्छा है. लेकिन हम शाम को भी प्राणायाम कर सकते हैं 6 घंटे के बाद. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्राणायाम करने के लिए आपके मील खुराक के बीच में और खाने के बाद में 1-6 घंटे का गैप होना चाहिए प्राणायाम करने के लिए. आसन करने के लिए एक बार 4 घंटे का गैप आप रखेंगे तो चलेगा, 3.5 घंटे का गैप रखेंगे तो भी चलेगा, बट एट द सेम टाइम प्राणायाम आपको करना है तो कम से कम 6 घंटे का गैप होना चाहिए.
और सुबह मैंने देखा कि थोड़ी वायु भी थोड़ी साफ होती है रिलेटिवली, हाँ बट हाँ फ्रेश तो होती है बट डिपेंड्स अपॉन द लोकैलिटी। अगर आप सोचते हैं कि दिल्ली के अंदर भी सुबह आपको फ्रेश एयर मिलेगी तो दिस इज अ रॉन्ग परसेप्शन। दिल्ली में तो 24 घंटे ही साफ हवा नहीं है, लेकिन क्या होता है दिन में ये सब अरे बंबई में भी नहीं है साहब, हालत खराब है यहाँ पे भी। हाँ लेकिन क्या है ये दिन भर में क्योंकि एक्टिविटी ज्यादा रहती है, इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स ये सब चीज चलते हैं। आइडियल इज मॉर्निंग, यस यू आर राइट, यस ऑलवेज और तो लेकिन वो क्या ये प्रिंसिपल है कि भाई बॉडी को थोड़ा स्टिमुलेट करके आसन के द्वारा फिर प्राणायाम करना ठीक है या सुबह डायरेक्टली प्राणायाम किए जा सकते हैं जैसे अपन प्रैक्टिस में? नहीं, वार्म अप करना चाहिए। अच्छा वार्म अप करना चाहिए, एक 4-5 आसन भी अगर आप कर लें तो ज्यादा बेटर है। और आसन भी कैसे, जो आपके फसलियों पर आपके रीढ़ की हड्डी पर खिंचाव ले आए, जैसे कि आपने पर्वतासन कर लिया, उष्ट्रासन कर लिया, मंडूकासन कर लिया, ये आसन करने के बाद में अगर आप प्राणायाम करते हैं तो एक अलग ही मजा आता है। तो यू शुड डू प्राणायाम आफ्टर डूइंग सम स्ट्रेचेस। मेरे पास कभी कभी वक्त नहीं रहता, समझो खाली आधा घंटे का वक्त है, तो आधा घंटे का वक्त है तो मैं एक 10 मिनट जो है ना वार्म अप के लिए या एक दो आसन के लिए टाइम जरूर देता हूँ, और फिर बाद में 20 मिनट जो है दो प्राणायाम करता हूँ सिर्फ। नाड़ी शोधन सूर्य वेदन, नाड़ी शोधन भस्त्रिका, नाड़ी शोधन भ्रामरी, नाड़ी शोधन उज्जयी, नाड़ी शोधन के कॉम्बिनेशन में कोई एक प्राणायाम कर लिया आपने काफी है। That's also very good principle. नाड़ी शोधन से बैलेंस हो जाती है ना बॉडी। नाड़ी शोधन कभी मिस नहीं करना है आपको। हाँ। नाड़ी शोधन कभी आप डायरेक्टली कुंभक कभी भी मत करिए। हम जी, कितना जी. भी ऐसा सोचे कि हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि कम से कम 5 मिनट से 6 मिनट आपको नाड़ी शोधन पहले करना चाहिए, उसके बाद ही आप जो है। और ये 5 से 10 मिनट का जो नाड़ी शोधन मैं बोल रहा हूँ, आप कपाल भाती भी कर सकते हैं, अग्निसार क्रिया भी कर सकते हैं जैसे हम करते थे अपने प्राणायाम के सेशंस में, और उसके बाद में जो है आप उसमें ये ऐड कर सकते हैं। अच्छा तो अगर ये अगर प्राणायाम के सेशन की मैं जस्ट एज अ एक स्कीमेटिक तौर पे सपोज कहता हूँ कि मॉर्निंग अगर अपन फोकस प्राणायाम रखें और शाम को फोकस आसन रखें फॉर अ मोमेंट, अगर अपन ऐसे करें तो सुबह में शुरुआत जैसे थोड़े से पर्वतासन वार्म अप से, और फिर अपन अपना जैसे वो अपन पहले आपने जैसे सिखाया है कि कपालभाति हुई, अग्निसार हुई, और फिर अनुलोम विलोम, और फिर उसके बाद में कुंभक के कोई भी एक या प्रेफरेबली शायद एक ही, क्योंकि इतना समय तो होता भी नहीं है, तो कुंभक छह प्रैक्टिस हम कर सकते हैं उसमें की। वो ठीक है, लेकिन ये जब आप कम से कम 2-3 महीना जब ऐसी इस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं ना, यू शुड कम टू द कंक्लूजन कि विच इज द प्राणायाम दैट यू योर बॉडी एक्सेप्ट्स मोर। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दूसरा प्राणायाम नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हमारा शरीर ज्यादा एक्सेप्ट करता है ना उसको ज्यादा करना चाहिए। दूसरे प्राणायाम भी करना चाहिए, लेकिन जिसको शरीर को ऐसा लगे ना कि इसके साथ ये प्रैक्टिस के साथ में तालमेल बैठा हुआ है तो वो ज्यादा करना चाहिए। जैसे कि आई लाइक टू डू उज्जयी अ लॉट, कभी कभी मैं उज्जयी आधा आधा घंटे तक बराबर नॉर्मली आराम से करता हूँ, तो वो आधा घंटे तक करने के बाद में ऐसा लगता है कि अब नींद की भी जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, पूरा दिन आपको जो है ऐसा लगता है यू आर फ्रेश फुल ऑफ एनर्जी, एट द सेम टाइम योर माइंड इज काम, द थिंकिंग क्लैरिटी इज ग्रेट। तो उस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन गो। और जैसे आपने कहा कि शाम को आसन का प्रैक्टिस रखें, शाम को एक आसन का प्रैक्टिस रखना वो हमेशा अच्छा ही होता है। क्यों मालूम है? पूरे दिन का जो हमारा जो मोबिलाइजेशन रहता है वो शाम को जो है इंजुरी के चांसेस को कम कर देता है एकदम से। और खास करके हमारा जो एज ग्रुप है, हमारे एज ग्रुप में अगर हम आसन का अभ्यास शाम को करेंगे तो ये ऑलवेज बेटर है।
This is always better. This is how we should go. Thank you. In our case, very, very valuable tips. Yes, sir. In our case, we neither start with Sukshma Vyayam nor by Surya Namaskar. Not recommended at all. We adopt a system known as conditioning. Conditioning means start with some of the meditative poses and let the body go. Okay. We start with observation of equalization of breath, relax to the extent that everything becomes blank. Right. The body stay totally relaxed. And once this relaxation, we don't call it asana, we have given the term as conditioning. Allow the body to condition to adopt the changes. Okay. Now this 5 minutes conditioning, totally relaxed. And then we start the asanas. And that too we have classified into, we start with the spinal asanas. The second category, the asanas of extremity, that is for the hands and the legs. The third category comes inversion of a spine, and the fourth category comes the relaxation. This is what the sequence is. So 5 minutes conditioning, and then the corrective asanas of the spine, where we have 4 or 5 variations. The upward stretch, the sideward stretch, the forward, the backward, and the twisting. Now this 5 asanas, conditioning followed by the 5 asanas, then we go do for the hands and the legs or the extremity, maybe Utkatasana or like that, 2-3 asanas here. Then we go for the inversion of a spine, means upside down in the body to partial condition. It may be Halasana, it may be Vipreet Karni or like. This is upside down. And finally, we relax and we close the session. Now, this is the sequence of 5 different asanas. Now, this can be changed. 5 asanas, it may be done standing, it may be done sitting, it may be done lying down. So we may select the days or any day, or we may mix up also. That the category remains the same. The conditioning, the spine, the extremity, the inversion, and the relaxation. These are the 5 categories. Basically, we have allotted the time slot also. So roughly, it comes to 40, 45 minutes, 50 minutes, could be. And the 10 minutes we leave for the discussions or whatever it is. So it is 1 hour session. Now, it can be sitting, one day sitting, one day lying down, one day standing, and one day mix also. That's all. It covers almost the entire series. Keeping the mind of Sthir Sukham, very emphasized. Absolutely. That idea of blankness, zeroness has to be there everywhere. The moment that is missing, we are missing from the asana itself. Yes. Now that's how we proceed. So we avoid the sukshma. Even sukshma is not. Even Surya Namaskar, no. Condition. Sit quiet in any meditative position. Allow the body loose. It is said when there is nothing in the body, then it is going to adopt the changes. If it's something is already there, it will not accept the changes. Now that's how we make the sequence, we proceed. And almost see, all even the asanas. Very nice. See, this is where we come to know about different traditions and the way people condition themselves to go ahead and do. Because now you have settled down in that and you like it to go along with that. Yeah. So, but at the same time, in aged people, when you are 60 plus, so 60 plus, it is always better to do some warm up and then start. Otherwise, if you have already been doing such kind of conditioning for so many years, then you don't require any kind of warm up and all. Yes. अगर समझो एक बंदा जो है 35 साल की उम्र से लेकर 60 साल तक पहुंचे तक ऑलरेडी 25 साल उसने इस तरह से प्रैक्टिस की हुई है तो 60 साल के बाद में उसको वार्म अप की जरूरत है ऐसा बिल्कुल नहीं है. Then he can directly continue as he has been doing. इस तरह से हम continue कर सकते. Even the practices can be increased this way. The first day आपके पास 2 आसन हो गया, fine. Second day, fine. Yeah, it could be graded. Ultimately,
the practice has to change into habit. And once it changes into behavior, the practice becomes normal. So the from the very beginning itself, the concept is always impressed upon, stressed upon, instead of diverting issues this side or that side. Absolutely not required. The central point is never missed out, even for a while. And whenever it is missed out, we don't call it the asana category, the yoga category at all. That is important. Yes, yes, very true. I agree. I totally agree. Even recently, many times, you know, after finishing the asana session, I was feeling tired, you know, and sometimes even I went for sleep also. And this is the principle. Bully. If you don't, the result is that when you don't practice for 2-3 days, you become normal, and then the routine starts. This observance that something excess and what is not required by your body has been done, that is also important. That's why we always impress upon what is known as body awareness. Now, this awareness is a round-the-clock phenomena. It's not that system when you are practicing the asana or the pranayama. No, absolutely not. Awareness of the body, awareness is the central point. This is the principle which is followed in Kaivalya Dham also. They do not practice Sukshma Vyayama. There is no Sukshma Vyayama and there is no Surya Namaskar. That's what I think we should impress upon. That starting with the Sukshma, see, of course, there are different institutions. They are giving emphasis on the Sukshma Vyayama and, of course, many others. But that's how we have. Now, since we are supposed to be with them also as a common code of conduct, as you say, so we are practicing that. We must know. It's not out of the subject. At some time, at some place, this has also been a part of cultural, body culture or the self culture scheme. So that we must know. But anyway, this we are adopting a slightly different and suits. It suits us. Right, right. Yeah. Continuing with the Yoga Institute ka jo tradition ka, ye to almost subconsciously wo waise hi hota hai. I'm just thinking ki conditioning to hai hi hai shuru. Whichever manner you do conditioning, whether you do sukhasan se kare ya jaise bhi kare. But especially given the age, agar spinal asana se pehle agar sukshma vyayam kiye jaye, so would that be a way of introducing, assimilating the two traditions while enhancing safety at the same time? Jaise apne bhi hand and neck exercises jise kehte the hum. Nahi, humne to wahi kiya na, Sunil bhai. अभी जैसे आप बोल रहे हैं ना, तो वी हैव डन दैट ओनली. अदरवाइज फ्रैंकली टेलिंग यू, वेदर इट वॉज योग विद्या निकेतन और कैवल्य धाम, जिस तरह से महेंद्र भाई बता रहे हैं ना, प्रिंसिपल्स यही थे कि आप क्लास में आके प्रार्थना हो गई, आप शांति से बैठो एंड ट्राई टू ब्रिंग दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस टू द होल बॉडी एज इफ यू आर प्रिपेयरिंग योर माइंड एंड बॉडी रेडी फॉर दैट प्रैक्टिस ऑफ आसन्स. वो वहां पर कोई वार्म अप नहीं है. आप हमारे गुरुजी भी जो है ना, जो एक फिजिकल टीचर रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि योग को इसी तरह से शुरुआत करो. लेकिन आज के डेट में क्या हो गया, जिस तरह की हम जिंदगी जी रहे हैं, जिस तरह का कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर लोग जी रहे हैं, जिस तरह की भागदौड़ वाली जो जिंदगी हम जी रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम जो है, इट हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ योगा सेशन. व्हाई? यू नो, टू अवॉइड इंजुरीज. सूक्ष्म व्यायाम इज ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ अवॉर्ड. क्योंकि आप अब जो योग में आ रहे हैं ना, वो लोग योग के अंदर कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए तो नहीं आ रहे. उनको सिर्फ एक ही सिद्धि चाहिए, वो फिजिकल फिटनेस है. और वो फिजिकल फिटनेस को दिमाग में रखकर जब वो प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम अनिवार्य हो जाता है. लेकिन जब अगर कभी आप सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जाते हैं, आप मेडिटेशन की तरफ जाने की सोचते हैं, या आपको जो है शरीर के टोनिंग से, इससे उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको लेना देना है सिर्फ अपने मन की शांति से,
then you do not bother about what your body is getting. Rather, you should be only under the impression ke how you are feeling better with the mind concept. आपका मन आपको क्या क्या एहसास करा रहा है, कितना आप रिलैक्स हो रहे हैं और कितना बॉडी की तरफ आपका अवेयरनेस बना हुआ है. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ योगा. एक्चुअल योगा इज दैट. एक्चुअल योगा. आई टोटली एग्री विथ महेंद्र सर, वॉट एवर ही हैज सेड, दैट इज द वे इट हैज टू गो. बट इन टूडे सिनेरियो, आज के माहौल में दिस विल नॉट बी ऑलवेज सक्सेसफुल. ये हमने खुद देखा समझा. और क्योंकि हमने पहले तो हम लोग ऐसा बोलते थे कि बच्चे लोग बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन आज आकर कभी आप बच्चों को भी देख लें तो बिस्किट खा के मसल बनाए हुए बच्चे हैं ये. इनके बॉडी के अंदर ऐसा स्टिफनेस आपको दिखता है, हमको ऐसा लगता है और ये बच्चे खेलते कूदते ही नहीं, कहीं भागते नहीं, क्योंकि इनके हाथ में हमेशा वो मोबाइल और कंप्यूटर है, उसके सिवा तो कुछ है ही नहीं इनके हाथों में. तो फिर आप सोचिए कि इनको अगर सूक्ष्म व्यायाम नहीं कराएंगे तो ये जैसे लकड़ी टूट जाती है ना, वैसे टूट जाएंगे, ये इतने स्टिफ है. लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है. तो लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर जो है ना, इट इज बिकमिंग एप्लीकेबल. वी नीड टू नो कि व्हाट इज द राइट मॉड्यूल. मैं शुरुआत से यही बात पे इम्प्रेस कर रहा हूँ कि हमको ये देखना है कि कौन से इंसान को क्या जरूरत है, कौन से ग्रुप को किस तरह के प्रैक्टिस की जरूरत है. जहां ये क्लैरिटी हमारी आ जाती है ना, देन वी विल कैरी ऑन वेरी नाइसली अहेड. अभी अभी जैसे हाँ बोलिए बोलिए. अभी 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 जैसे कि महेंद्र सर बता रहे थे, अभी महेंद्र सर का जो ग्रुप है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैच्योरिटी है, वो मैच्योरिटी जो है लाइफ को समझने के बाद में, मतलब उन्होंने धूप छांव इतनी देख ली है कि उनको पता है कि मुझे किस तरह से बिहेव करना है. अब आप यही चीज जो है उस बंदे की ले लो जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके पास मैच्योरिटी लेवल नहीं है. वॉट एवर इज हियर एज मैच्योरिटी, दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर मसल्स, ऑन योर बॉडी, ऑन योर बिहेवियर पैटर्न. तो योग एक ऐसा साइंस है ना कि उसको मोल्ड करने के लिए हम ग्रॉस से सटल में जाते हैं, नो डाउट अबाउट इट. बट वेन यू आर ऑलरेडी इन द सटल पोजिशन, वाई यू नीड दैट ग्रॉस? सिंपल थियरी है. तो यू स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू बिलोंग टू एंड कंडीशनिंग यू कैन कंटिन्यू अहेड. हाँ सुनील भाई बोलिए. नहीं तो क्या है, अगर एज अ योगा टेक्नोलॉजी या अगर वैसे आज के युग के, आप बिल्कुल सही, मैं तो एटलीस्ट अग्री करता हूं कि एक तो माइंड और बॉडी के ड्यूअलिज्म जो है ये मेरे ख्याल में सही चीज नहीं है. बॉडी इज नथिंग बट द ग्रॉस माइंड एंड माइंड नथिंग बट द सूक्ष्म बॉडी. यस. सो अपन किसी दोनों में एक को निगलेक्ट नहीं कर सकते. यस. तो इसलिए जैसे जो भी ट्रेडिशन हो, आप ब्रह्म कुमारी हैं, वो कुछ आसन का कुछ है ही नहीं, वो केवल मेडिटेशन ही करते हैं. और जहां तक मैं समझाऊं अयंगार के ट्रेडिशन के अंदर वो आसन के ऊपर ही ज्यादा फोकस है और प्राणायाम के ऊपर, और उससे आगे कुछ मैंने तो कम से कम नहीं मेरा वाकिफ नहीं हुआ है उनके मेडिटेशन या कुछ तरीके से. वो दोनों अपनी मुझे ठीक है लेकिन इनकम्प्लीट है मेरे ख्याल में. So to really make a yoga practice complete, you have to attend to the body, you have to attend to the breath, you have to attend to the mind. You very rightly pointed out, Sunil ji, we have to be away from the dual concept of the body and mind. In fact, the dual concept is just for the purpose of understanding only, since they are functioning in different planes. Otherwise, it's a hybrid system, what is known as hybrid. And hybrid is a system where the individual identity is lost and a combined identity is created. That is what is required here. You said that I'm working on body, you cannot work without mind. You say you're working on the mind, without application of the mind, you cannot. So that is why it's just for the purpose of understanding and clarity, we differentiate between the two. Otherwise, the two does not exist at all. What exists is the hybrid system of that, where the individual identity of both the elements is totally lost and the third identity exists. That's why we name chitta. We name chitta. We don't name that mind and this and that. It's a totally hybrid system. Instead of hybrid, can we not say it is an
integral organic system. It is a whole holistic system where body and mind are not separate. Yes. If you say hybrid, then it still gives the notion that body is separate and mind is separate. And sometimes they function together, sometimes they function separately. Yeah. Yes. In the Kosha model or in the Kosha framework, we are integral, starting with Annamaya, then Pranamaya. Prana is actually what links the body and the mind. Beautifully said, sir. Yeah. Yes. Okay. Should we start with our third chapter today? Sorry. कोश की बात कही तो मेरे को ये ख्याल में आता है कि आइडियली शायद अगर जिसके पास कोई वक्त हो या उसको हो तो मेरे ख्याल में तीन सेशन रखने चाहिए. एक सेशन अन्नमय के ऊपर सो आसन प्रधान supported by or you know with appropriate conditioning. Ek session, you know, pran pradhan with you know the requisite conditioning, or ek man pradhan, right, with the requisite conditioning. Agar waise rahe to mere khayal mein wo bhale wo 20 minute ke bhi ho, I think that's not wo duration may not be as important as the fact that when we are separating the three, तो एक क्या है कि focus हर एक पे तीन, this is a three-legged stool अगर वैसे कहें तो अन्नमय प्राणमय मनोमय, तो शायद वो ठीक रहे. हाँ जी सर, हमने ये start किया था कि initially 30 minutes, मतलब पहले कैसे था कि 30 minutes you are doing only physical practices like asanas, और फिर उसके बाद में we are doing 15 to 20 minutes of breathing techniques. And last 10 minutes, we are keeping it for meditative practices. ये एक घंटा हो जाता था और उसके बाद में 10 मिनट का जो है अगर आपको शवासन करना है तो आप कर सकते हैं. अब एक बात बोलता हूं, हमने 30 मिनट्स आसन शुरू तो किया लेकिन जैसे एक महीना निकल गया, दो महीना निकल गया, तीन महीने की प्रैक्टिस निकल गई, वो आसन की प्रैक्टिस जो है 30 से 25 होते हुए वो 20 पे आ गई, और जो ब्रीदिंग की जो प्रैक्टिस जो पहले 20 मिनट्स की थी वो 30 मिनट्स की होने लगी, और वो 10 मिनट्स का हमने मेडिटेशन वैसे ही बनाए रखा कि भाई मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करेंगे. फिर एक समय ऐसा आया कि आप आसन का अभ्यास सिर्फ 10 मिनट ही कर रहे हैं, ब्रीदिंग जो है वो आधा घंटा बराबर चल रही है, और मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस भी जो है वो 20 मिनट तक बराबर चल, क्योंकि ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस लाइक प्राणायाम एंड ऑल दे आर लाइक अ फाउंडेशन फॉर मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस. और ये क्या हुआ कि एक घंटे में जो रेशियो था वो पहले कैसा था कि इसकी तरह ज्यादा था, समझो कि अगर कभी हम आउट ऑफ 10 अगर कभी इसको पकड़ेंगे तो आसन पार्ट वॉज 6, 2 वॉज प्राणायाम एंड 2 और 3 वॉज प्राणायाम एंड 1 वॉज मेडिटेशन, बट इवेंचुअली मेडिटेशन बिकम 4, प्राणायाम बिकेम 4 एंड आसन रिमेन्ड ओनली 2. तो कहीं ना कहीं जो आपने कहा ना कि माइंड इज नथिंग बट द सटल बॉडी एंड बॉडी इज नथिंग बट द ग्रॉस माइंड, तो वी नीड टू बी वेरी क्लियर दिस फैक्ट कि इवन अवर प्रैक्टिसेस आर लीडिंग अस टुवर्ड्स दैट. तो वो जो आपने जो कहा ना वो बिल्कुल सही है, वो वैसे होना चाहिए, हम वैसे करना चाहिए, लेकिन हमको उसी पर फिक्स रहकर चलते रहना चाहिए ऐसे भी नहीं है. वी हैव टू अपग्रेड टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स सत्व, और वो सत्व की तरफ जाने के लिए सटल प्रैक्टिसेस आर मोर इंपॉर्टेंट. अगर कभी शुरुआत में आप मेडिटेशन को ज्यादा रखेंगे ना, आप मेडिटेशन कर ही नहीं पाएंगे, पहली बात होगा ही नहीं. बट इफ दिस ग्रेजुअल प्रोग्रेस इज मेंटेन्ड एज आशुतोष सर सेड कि वी नीड टू इंटीग्रेट ऑल दिस 5 कोशास एंड अकॉर्डिंगली वी शुड लीड आवरसेल्फ अहेड, दैट इज हाउ वी शुड अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड अहेड. या मैं जब विपश्यना कैंप के लिए गया था, इट वाज प्रायर टू माय एंट्री इनटू द फील्ड ऑफ योगा, तो विपश्यना मेरे से नहीं हुई ढंग से, मैं बस वो मतलब मेरा ऐसे ही करके टेक्निक सीख के आ गया, लेकिन विपश्यना नहीं हुई. अभी जो पीछे 2-3 महीने पहले जब एक महीना मैंने और कुछ ना करके केवल विपश्यना ही की थी, आई फाउंड टू माय सरप्राइज कि वो 2 घंटे बहुत अच्छे से हुआ, काफी बेटर होती थी. हाँ. क्योंकि उससे पहले इतने आसन अपन ने कर लिए थे, तो वो बड़ा ये बिल्कुल बात सही है कि
जब तक की बॉडी की कंडीशन नहीं हो तो ब्रीदिंग ढंग से नहीं हो पाती, और जब तक ब्रीदिंग का वो फाउंडेशन ठीक नहीं हो तो मेडिटेशन नहीं हो सकती। तो जैसे आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया कि ये प्रोग्रेशन अपने को करना है, एंड हाँ जो डायरेक्शनली अपन सटलिटी की तरफ नेचुरली ज्यादा जाना चाहिए वही प्रोग्रेस है, और वो शायद अपने आप हो भी जाएगा। हो जाता है। इनफैक्ट बॉडी टेल्स यू कि लेट अस सिट क्वाइटली एंड मेडिटेट। आपके अंदर से ही आवाज आती है, डोंट डू एनीथिंग एल्स, जस्ट सिट डाउन क्वाइटली एंड बिकम फुल्ली अवेयर ऑफ योर ब्रेथ्स एंड मेडिटेट। कई बार ऐसे होता है कि मैं प्रैक्टिस करने के लिए मैट वैट बिछाता हूँ, अपना लंगोट टंगोट बांध के बराबर से तैयार हो जाता हूँ आसन को सूर्य नमस्कार करने के लिए, लेकिन जैसी प्रेयर करके हो जाता है तो शरीर कहता है कुछ मत करो सिर्फ शांत बैठो। तो वो स्थिति के अंदर मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, बैठा रहता हूँ, और वो पूरा आधा घंटा पौना घंटा वो ऐसी बैठक वाली स्थिति में ही निकल जाते हैं। दैट इटसेल्फ इज एन अंडरस्टैंडिंग कि वी हैव कम टू अ लेवल वेर वी डोंट नीड नो एनी मोर यू नो पुशिंग और एक्टिंग और ट्रेनिंग अवर बॉडी फॉर दैट। इट इज अवर बॉडी सेइंग कि तुम अभी वो जैसे महेंद्र सर ने कहा ना कि यू शुड कम टू दैट कंडीशनिंग, द मोमेंट दैट कंडीशनिंग इज डन थिंग्स विल टेक प्लेस, इट विल सेटल डाउन ऑन इट्स ओन। You don't have to do anything else. Automatically, the laya will take you to that rhythm. That rhythm will take you into that flow, and you will be getting established in your sthiti. Aur yehi isi ko agar kabhi humne importance diya, to aage jaake shayad ho sakta hai ki we will be going to the more higher planes of yoga. So yeah. Langot ki baat ki, to langot ke liye scrotal support is good enough ya? Enough. वो सपोर्टर मिलते हैं स्पोर्ट्स शॉप में, दैट इज इनफ। हां मतलब स्क्रॉटल जो वो इलास्टिक टाइप स्क्रॉटल सपोर्ट जो मिलता है इलास्टिक टाइप अंडरगारमेंट अंडरवेयर के तौर पे अंडरवेयर के ऊपर पहनना होता है फंक्शन अंडर के अंदर अंडरवेयर के अंदर क्योंकि वो थैली होती है जिसमें हम अंडकोश को बराबर से रख देते हैं। जी हां वो रख कर अगर कभी आप पहन कर अगर आप सूर्य नमस्कार करेंगे, खास करके हमारे एज में तो बहुत जरूरी है। यंग पीपल कैन do it without that, but at the same time, once you have crossed 30-35, it is better that we wear langot or at least this scrotal support and then go ahead. Very important. ये मैं class में हमेशा announce करता रहता हूँ, whether the class is a mixed class, male females दोनों भी रहेंगे तो भी मैं जो है males को खास करके जो है ताकत करता हूँ कि in your age group you should wear it. It is very important, sir. आसन प्रैक्टिस के लिए ही है ना, प्राणायाम वगैरह के लिए तो नहीं चाहिए होता है। नहीं प्राणायाम के लिए नहीं चाहिए, लेकिन सूर्य नमस्कार के लिए, आसन के लिए, सूक्ष्म व्यायाम के लिए चाहिए। लेकिन ऐसा होता ही नहीं ना कि हमने आसन का अभ्यास कर लिया और अब हम जाके सपोर्टर निकाल दिए और फिर बैठे प्राणायाम के लिए, ऐसा होता नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि आप प्राक्टिस कर रहे हैं और करने के बाद में फिर आपको ऐसा लगता है कि चलो अब प्राणायाम की तरफ बढ़ना, तो उसी बैठक वाली स्थिति में आराम करने के बाद में आप आगे बढ़ जाते हैं। तो नॉट नेसेसरी फॉर प्राणायाम एंड मेडिटेशन, बट वेरी एसेंशियल फॉर आसन एंड सूर्य नमस्कार, बहुत जरूरी है। या सो लेट अस गो अहेड, कमिंग टू लेसन नंबर 3, दैट इज तृतीय उपदेश विच इज कंसर्न्ड विद बंध एंड मुद्रा। बंधास आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन मुद्रास, एंड वेन एवर आई डिफाइन मुद्रा, तो द वर्ड मुद्रा एक्चुअली इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत रूट वर्ब विच इज नोन एज मुद। मुद मीन्स हैप्पीनेस, डिलाइट, एंड मुद्रा मीन्स अ प्रैक्टिस विच बेस्टोज अपॉन यू द हैप्पीनेस। तो दिस इज अ सिंबल, दिस यू कैन टेक इट एज अ जेस्चर, दिस यू कैन टेक इट एज एन एक्सप्रेशन, this you can take as a technique which brings about that kind of change in your situation of mind and body connected with your emotional existence. जैसे कि थोड़ी देर पहले अभी हम पंचकोश की बात कर रहे थे, तो जहां अन्नमय से प्राणमय तक हम आ जाते हैं, मनोमय विज्ञानमय जो है, ये दोनों हमारे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के साथ साथ हमारी इमोशनल एबिलिटी से भी कनेक्टेड होता है। अच्छा, ये जो इमोशनल एबिलिटी है या फिर ये जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, ये सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि दुनियादारी तक जो है हमको ये ज्यादा काम करती है, बट एट द सेम टाइम टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, अनलेस एंड अंटिल वी टैप दिस सेक्शन ऑफ अवर एग्जिस्टेंस,
we will not be able to continue further. और हठ योग में इसीलिए जो है बंद मुद्राओं की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि बंद मुद्रा क्या करते हैं, आपको आसन प्राणायाम से जो है वाया मुद्रा और बंद से आपको धारणा ध्यान में लेके जाते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि बंद और मुद्रा के जो प्रैक्टिसेस हैं वो 90% ध्यानात्मक हैं और 10% फिजिकल है, वो 10% फिजिकल है लेकिन 90% जो है दे आर कंसेप्चुअल एंड मोर कंटेम्पलेटिंग और मोर कॉन्सेंट्रेटिंग, और इसी वजह से बंद मुद्रा की अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन अभी देखो, हमने जब हठ प्रदीपिका की पढ़ाई की, हठ प्रदीपिका में बंद मुद्रा का जो चैप्टर है वो प्राणायाम के बाद आया और हमें ये कहा गया कि आसन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, कुंभक का अभ्यास करने के बाद ही आपको बंद मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। थोड़ा सा घेरंड मुनि का मतलब, ये मेरा कहना है, माय व्यू ऑफ द प्रेजेंटेशंस गिवन हियर बाय घेरंड इन दिस घेरंड संहिता, ही इज ब्रिंगिंग बंद मुद्रा बिफोर प्रत्याहार एंड बिफोर प्राणायाम। तो कहीं ना कहीं उनका कहना क्या है कि भैया आपने षटकर्म करके शरीर की शुद्धि कर ली, हाँ जी, आसन करके शरीर को दृढ़ता दे दी, हाँ जी, मन की स्थिरता के लिए अब मुद्रा बंद करो। व्हेन वी से स्थिर, अभी थोड़ी देर पहले हम डॉक्टर भिड़े को भी सुन रहे थे, ही वॉज टॉकिंग अबाउट स्थिरत्वम इन द बॉडी एज द पैसिफिकेशन ऑफ द माइंड, स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड। हमने ये स्थिरता को आसन में भी पढ़ा, जैसे योग सूत्र कहता है कि स्थिर सुखम आसनम, वो स्थिर को हम फिजिकल लेवल पे ही कभी कभी देखते हैं, उसको मेंटल लेवल पे कभी हम कनेक्ट नहीं करते, लेकिन सुख को जो है हम मेंटल लेवल पे कनेक्ट करते हैं और फिजिकल लेवल पे उतना नहीं कनेक्ट करते, लेकिन दोनों के दोनों फिजिकल एज वेल एज बोथ मेंटल लेवल पे काम करते हैं। और अगर कभी वो मेंटल लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं तो हमारे जो द्वंद्व हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो डिसॉल्व कैसे होंगे? ततो द्वंद्व अनाभिघातः, जो हम पढ़ते हैं योग सूत्र में, वो कैसे होगा? तो समवेयर टू ब्रिंग अबाउट दैट एबिलिटी ऑफ द्वंद्व अभिघातः, द्वंद्वों का नाश करने की जो बात है, यहां पर घेरण मुनि कहते हैं कि नो डाउट कुछ मुद्राएं और बंद जो है आपको प्राणायाम के बाद करने चाहिए, लेकिन कुछ मुद्रा बंद जो है आपको प्राणायाम के पहले ही करनी चाहिए। तो यहां पर कंसेप्ट जो घेरंड मुनि का जो दिया हुआ है, वो कहते हैं कि अब मैं एक चैप्टर लिख रहा हूं मुद्रा और बंद पे, तो लेट मी इंक्लूड ऑल दी मुद्रास एंड बंधास इन दिस चैप्टर ओनली, बट ऑल्सो लेट मी एम्फसाइज द सिंपल सिंपल मुद्रास विच आर एसेंशियल टू बी डन इवन बिफोर प्राणायाम एंड प्रत्याहार। हमको जब तक उड़ियान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद की जानकारी नहीं होती तो हम कुंभक यानी प्राणायाम का जो कुंभक का जो पार्ट है उसमें हम कैसे सक्षम हो जाएंगे? तो वो बोलते हैं चलो फिर तुम पहले से मुद्रा बंद पढ़ लो तो तुम वहां पर जो है अच्छी तरह से कर पाओगे। तो घेरण मुनि ने जो स्टेप लिया है कि भाई मैं बंद मुद्रा को पहले बताता हूं, कुछ ऑथर्स जो कॉमेंटेटर्स हैं उन्होंने उनका क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करते हुए कहा कि ये उन्होंने गलती की है, लेकिन जो बड़े मुनि थे, योगी थे, हम उनका इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है इस पर अगर ध्यान ले जाएं तो कभी कभी ऐसे लगता है कि नहीं, ये गलत नहीं है, ये सही है। और ये सही इसलिए है क्योंकि उन्होंने हम पर छोड़ा हुआ है कि भाई तुम मुद्रा बंद पहले करना चाहते हो या बाद में करना चाहते हो। तो अगर कभी तुमको ऐसे लगता है कि तुम्हारे प्राणायाम से पहले ही तुमको मुद्रा बंद की जरूरत है तो तुम पहले करो, लेकिन तुमको अगर ऐसे लगता है कि नहीं मैं बाद में कर सकता हूं तो ठीक है बाद में करो, कोई बात नहीं। बट समवेयर दिस क्लियर अंडरस्टैंडिंग शुड कम टू ऑल द प्रैक्टिशनर्स के कौन सी मुद्राएं हैं जो मुझे, कौन से बंद हैं जो मुझे प्रत्याहार और प्राणायाम से पहले सीख लेने चाहिए, कर लेने चाहिए, और जो है उसके बाद में प्राणायाम करने के बाद में मैं खेचरी करूंगा, प्राणायाम करने के बाद में मैं शांभवी करूंगा, प्राणायाम करने के बाद में मैं योनि मुद्रा करूंगा,
इसीलिए घेरंड मुनि ने शांभवी योनि ये सारे मुद्राएं जो है ना उन्होंने ये 25 मुद्राओं में पकड़ लिए, हमको सिखा भी दिए। लेकिन आगे जाके वो समाधि में कहते हैं कि आफ्टर हैविंग लर्न्ड दैट प्राणायाम एंड नोन व्हाट इज ध्यान नाउ रिमेंबर द मुद्रा बंद प्रैक्टिसेस व्हिच वी हैड लर्न्ड इन द थर्ड चैप्टर कैन बी यूटिलाइज्ड हियर फॉर द प्रैक्टिस ऑफ समाधि। तो कितनी अच्छी तरह से उन्होंने ये मैसेज पास ऑन किया हुआ है कि अगर समाधि के लिए हमको अगर कभी खेचरी मुद्रा का साथ लेना है या भ्रामरी प्राणायाम का साथ लेना है या फिर जो है योनि मुद्रा का साथ लेना है, अगर ये सारे मुद्राओं का साथ लेकर अगर मुझे समाधि को प्राप्त करना है तो पहले मैं मुद्रा बंद क्या है ये जानकारी ले लूं, फिर उसके बाद में प्राणायाम का अभ्यास करते हुए ध्यान में आ जाऊं और फिर वही मुद्रा बंद के आधार पर जो है मैं समाधि का अभ्यास भी करूं। So this is the logic which has to be very clear in front of us when we are sitting and trying to study Gheranda Sanhita with respect to our Bandha and Mudra. नहीं तो हाँ yes बोलिए correct approach yeah क्योंकि जैसे हमने अनुलोम विलोम जब चर्चा की थी हट प्रतिबिंब के टाइम आपने बताया था कि भाई इसका एक फंक्शन हाइजीनिक होता है, इट कैन बी अ क्रिया मतलब पहले नाड़ी की शुद्धि करके इनफैक्ट आसन भी उसकी बात करते हैं और फिर दूसरा इसका फंक्शन एज अ प्राणायाम होता है। सो यहां पे भी आई थिंक इफ यू हैव सेड कि पहले जो मुद्रा नेसेसरी यहां पहले कर लीजिए इवन बिफोर मूविंग ऑन टू प्राणायाम धारणा ध्यान और फिर जो जरूरत है वो बाद में कर लीजिए, तो दैट इज अ मोर प्रैग्मेटिक अप्रोच। द सेम अप्रोच इज बीन टेकन अप बाय पतंजलि मुनि इन योग सूत्र आल्सो। He talks about Abhyas Vairagya first. He talks about Ishwar Pranidhan first. And then he talks about Kriya Yoga and Ashtanga Yoga in the second chapter. So somewhere the goal has to be set first. That makes our vision clear ke where we are working upon and going ahead. So jab tak hamara vision clear nahi hota, how come we will design our mission? So this is the approach of this teacher also, and it is really wonderful. Now we are going ahead and understanding. We will read 1, 2, 3, the three shloka together, because these are enumerating the 25 mudras. Mahamudra, Nabho Mudra, Udiyanam, Jalandharam, Moolabandho, Mahabandho, Mahavedascha, Khechari. पहले श्लोक में उन्होंने ये आठ मुद्राओं के नाम दिए हैं जिसमें बंद भी हैं, महामुद्रा, नभो मुद्रा, उडियान बंद, जलंधरम और मूल बंध, महाबंधो, महावेदश्च खेचरे। अब यहां पर जो छठा सातवां और आठवां है वो हट प्रतिपिका में दूसरा तीसरा और चौथा था, यहां पर वो छठा सातवां और आठवां रखा गया। क्यों मालूम है? क्योंकि महाबंद करने से पहले आपको उड्डयन बंद क्या है, मूल बंद क्या है, जालंधर बंद क्या है, ये पता होना चाहिए। और खेचरी करने से पहले आपको नभो मुद्रा क्या है ये पता होना चाहिए। तो मे बी द सीक्वेंस इज रियली मैटरिंग ओवर हियर अ लॉट, क्योंकि उन्होंने इस तरह से दिया ना कि पहले महामुद्रा समझ लिया, अब तुम नभो मुद्रा को समझो, अब तुम मूल बंद को समझो, तुम उड्डयन बंद को समझो, तुम जालंधर बंद को समझो। ये जब पांच चीजें तुमने समझ ली, अब तुम जो है व्हाट इज महाबंध, व्हाट इज महावेद, व्हाट इज खेचरी, इसको समझो। इस तरह से उन्होंने अलाइन किया। फिर नेक्स्ट जो बोलते हैं विपरीत करणी वज्रोली, विपरीत करी योनि वज्रोली, शक्ति चालनी ताड़ागी मांडुकी मुद्रा शांभवी पंच धारणा। अब ऊपर आठ बताए, अब यहां पर देखो नौ बता रहे हैं वो हम। कौन से हैं ये नौ? विपरीत करणी नौ नहीं है, शायद दस हैं। विपरीत करणी, योनि, वज्रोली, शक्ति चालन, तड़ागी, मांडुकी, शांभवी। ओहो, सात हो गए। और उसके बाद में पंच धारणा, यानी वो पांच। तो सात और पांच कितने हो गए? बारह। यू कीप द कैलकुलेशन इन योर माइंड। विपरीत करनी वन, योनि टू, वज्रोली थ्री, शक्ति चालनी फोर, ताड़ागी फाइव,
मांडुकी 6, देन शांभवी 7, और ये 7 के बाद में पंचधारणा का वर्णन है, यानी पांच धारणाएं। तो वो पांच धारणाएं प्लस ये 7 मतलब 12। अब ये 12 प्लस पहले के श्लोक में के 8, 12 और 8 कितने हो गए, 20 हो गए। 20 has already been enumerated here. Now the remaining 5 have been explained in the next shloka. Ashwini, Pashini, Kaki, Matangi, and Bhujangini. Panchavyunshati mudrascha siddhida iha yoginam. The following 25 mudras are bringing siddhi to the yogis. What are these? Mahamudra, Nabho mudra, Udiyana Jalandhar Moolabandha, महाबंध, महावेद खेचरी, विपरीत करणी, योनि वज्रोली, शक्ति चालनी, तड़ागी, मांटुकी, शांभवी, द फाइव धारणास, देन अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातंगी, भुजंगिनी, दिस आर ऑल द 25 मुद्रास। इसमें अगर कभी हम घेरंड संहिता के साथ में अपना ये हट प्रतिदिकी के साथ में तुलना करते हैं तो इसमें सिर्फ 10 ही जो है वहां पर एक्सप्लेन किए गए। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि योनि मुद्रा का भी हट प्रदीपिका में वर्णन है, लेकिन डिस्क्रिप्शन पूरी तरह से नहीं है। योनि मुद्रा का भी वर्णन है और ये कहा गया है कि भाई तुमको शक्ति चालन करना है तो तुमको योनि मुद्रा करनी है, आनी चाहिए तुमको। या फिर यहां पर अगर आप देखेंगे ना, आगे जाके जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि योनि मुद्रा करने के लिए तुमसे पहले शक्ति चालन होना ही चाहिए। अगर आपसे शक्ति चालन नहीं होता तो आप योनि मुद्रा कैसे कर पाएंगे, ऐसे लिखा हुआ है। आगे जाके हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा के साथ में ऐसा संबंध है कि अनलेस वी डू एंड लर्न देम इन अ प्रॉपर वे वी विल नॉट बी एबल टू एक्सेल इन योगा। एंड दैट इज द रीजन दैट ऑल दिस 25 मुद्रास बिकम इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। इसमें से तो कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जो एकदम सिंपल हैं, जैसे अश्विनी मुद्रा है, पाशिनी मुद्रा थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, लेकिन काकी मुद्रा है। काकी मुद्रा का उपयोग कहाँ कहाँ नहीं होता। काकी मुद्रा का उपयोग आप जब सित्कारी करते हैं, शीतली करते हैं, शीतली में उपयोग होता है, सित्कारी में नहीं। आप जब बहिष्कृतम करते हैं, जब आपको हवा खा के इंटेस्टाइन को गूद से बाहर ढकेलना होता है तो वो हवा को अंदर लेने के लिए, गल्प करने के लिए आपको काकी मुद्रा का इस्तेमाल करना पड़ता है। तड़ागी मुद्रा, जब तक आप तड़ागी मुद्रा नहीं करेंगे तो आपका उड्डयन बंध जो है उसमें आपको बेहतरी सा नहीं मिलेगी, आप अच्छे से अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो ये सब जो आइडियल जो अप्रोच है वो 25 मुद्रा के थ्रू जो है हमारे सामने बहुत अच्छे से आ जाता है। नाउ ही डायरेक्टली स्टार्ट्स हाउ टू डू द प्रैक्टिस ऑफ महामुद्रा। कई बार क्या होता है, जैसे हमने हट प्रदीपिका में देखा कि हट प्रदीपिका का जो महामुद्रा का एक्सप्लेनेशन है वो पहले हमको बोलते हैं कि अभी राइट लेग से करो, लेफ्ट लेग से करो, जब तक तुम दोनों साइड से नहीं कर लेते तुम्हारा मुद्रा कंप्लीट नहीं है, ऐसा वर्णन क्लियर आता है हट प्रदीपिका में। और यहाँ पर वो सिर्फ एक ही साइड का बता के छोड़ देते हैं। तो फिर आप बोलेंगे साबिर भाई क्या हमको सिर्फ एक ही तरह से करना है, दूसरी तरह से नहीं करना क्या? बिल्कुल करना है। तो फिर बताया क्यों नहीं? क्योंकि घेरंड मुनि जो है एक प्रकार के संवाद में है और वो सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको रूबरू करा रहे हैं, बाकी वो बार बार बीच में कहते रहते हैं कि मैं तो टेक्निक तुमको बता रहा हूं लेकिन ये सारी प्रैक्टिसेस तुमको गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी है। और जब गुरु का मार्गदर्शन होगा ऑब्वियसली द गुरु द टीचर विल मेक श्योर दैट वंस यू हैव डन टू लेफ्ट साइड यू आर ऑल्सो डूइंग टू द राइट साइड। दिस इज हाउ इट हैज टू बी अप्रोच्ड। ओके, नाउ लेट अस गो अहेड एंड अंडरस्टैंड How to do the practice of Mahamudra. Payu Moolam Vama Gulfe Sampidaya Druda Yatnataha Yama Padam Prasaryatha Karo Utpatta Pad Angulihi. He is telling us Kara Utpatta or Upatta Pad Angulihi. Aapko apne haathon se, apne haathon ki ungliyan se आपको जो है किसको पकड़ना है, पैरों के पंजों को पकड़ना है, या फिर हाथ से जो है आपके पैरों को आपको ग्रिप पकड़ना है। सो हियर द क्लैरिटी इज गिवन दैट यू हैव टू फोल्ड वन ऑफ द लेग, ब्रिंग इट क्लोजर टू द पेरिनियल रीजन एंड देन लीनिंग फॉरवर्ड यू आर होल्डिंग द फुट
of the other leg. Kanta sankochanam krutva bhruvor madhyam nirikshayet purakair vayum sampurya mahamudra nigatyate. Ab ye jo technique hai, it is very similar to that of janu shirasan. But at the same time, kya hum janu shirasan mein baith ke kar rahe? Not necessarily that we are sitting in janu shirasan. आपका जो पैर फोल्डेड है उसका हील कहां होना चाहिए? आपके पेरिनियल रीजन पर प्रेस करता हुआ होना चाहिए. जबकि कई बार हम जानु शीर्षासन में जब बैठते हैं तो हमारा हील तो हमारे पेरिनियल के नजदीक आता ही नहीं. तो पहले आप क्या करो, लेफ्ट लेग को फोल्ड करके उसका हील जो है अपने पेरिनियम के नीचे एस्टाब्लिश कर दो. आप बोलेंगे ये एस्टाब्लिश करने की क्या जरूरत है? इसका इंपॉर्टेंस आपको हट्टा प्रतिपदा में समझ में आता है. क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि चिन लॉक को करके हमको सांस अंदर रोक कर हमको ये पोजीशन को मेंटेन करना है महामुद्रा की, तो विद चिन लॉक देयर हैज टू बी अपना ये मूलबंध आल्सो. अच्छा ठीक है, मूलबंध हो गया, लेकिन यहां पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको उड्डयन करना चाहिए. यहां पर तो ये बताया कि पेरिनियम को प्रेस करो और चिन लॉक लगा दो. पेट को अंदर खींचने के बारे में तो कुछ कहा नहीं. लेकिन मैं आपको ये क्लियर दे देता हूं कि जब टीचर के मार्गदर्शन में आप आएंगे ना, तो टीचर क्या बोलेगा मान लो है कि आपने मूलबंध लगा दिया, जालंधर बंद नहीं लगा दिया और तुम उड्डयन नहीं लगाओगे तो कैसे चलेगा? उड्डयन लगाना चाहिए. तो ये टीचर के मुख से ही आपको मिलेगा कि उड्डयन भी वहां पर इंक्लूड होना चाहिए. जबकि श्लोक में आपको दिखाई नहीं देता है वहां पर, श्लोक में लिखा हुआ, क्योंकि श्लोक के अपने लिमिटेशंस होते हैं. उतने ही वर्ड्स आएंगे, उसी तरह से जो है आपको प्रेजेंट करना होता है. अब जबकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि घेरण मुनि ये जानते हैं कि ये टीचर के गाइडेंस में सीखा जाएगा, तो टीचर रेस्पॉन्सिबिलिटीज विल बी फुलफिल्ड एंड द स्टूडेंट विल लर्न इन द राइट मैनर. तो आशुतोष सर मुझे ऐसा बोल सकते हैं कि साबिर भाई इसका मतलब ये हो गया कि जिसने खाली किताब खरीद के पढ़कर करना चाह वो तो बराबर करेगा ही नहीं. हाँ बिल्कुल नहीं करेगा. हम हमारे नॉलेज के लिए किताब पढ़ते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको टीचर का मार्गदर्शन जरूरी हो जाता है. ओके, तो वन थिंग इज वेरी क्लियर हाउ टू प्रैक्टिस. ही सेज फर्मली प्रेस द एनस विद द लेफ्ट एंकल एंड स्ट्रेचिंग आउट द राइट लेग, कैच होल्ड ऑफ द टोज विद द हैंड्स, कॉन्ट्रैक्टिंग द थ्रोट, फिक्स द गेज इन बिटवीन द आईब्रोज. दिस इज कॉल्ड महामुद्रा बाय द वॉइस. और इतना बताने के बाद में ही इज नॉट गिविंग एनी other explanation as such, but he gives us the benefits. Ki what are the benefits of Mahamudra in the next shlok? Ab wo ye nahi bolte ki tumne right se kar liya to left se bhi karo, aisa bolte nahi. Lekin ye baat jo hai humko Hatha Pradipika mein clearly milti hai ki ab tumhara left se karke ho gaya to ab right leg se bhi karo, tabhi jaake ye aapka practice complete hoga. That is how we have to understand. And now see the next shlok giving us the benefit. वलितं पलितं च इव जरा मृत्युं निवारयेत् शयकासं उदावर्त प्लीह आजीर्ण ज्वरं तथा नाशयेत् सर्व रोगांश्च महामुद्रा प्रसादनात्. हमारे स्टूडेंट्स है ना, जैसे ये श्लोक पढ़ते हैं इतना खुश हो जाते हैं. फिर वो बोलते हैं सर यानी बाल कभी सफेद नहीं होंगे, चेहरे पर कभी झुर्रियां नहीं आएंगी, हम कभी बुढ़ापे का सामना नहीं करेंगे, हमको कभी मृत्यु नहीं आएंगी. तो मैं बोलता हूँ सब आने वाली है, चुकने वाली नहीं. तो बोलते सर फिर यहां तो लिखा हुआ है. यही तो बात है ना कि टीचर का इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंस क्यों आ रहा है यहाँ पर. इसीलिए तो आ रहा है कि वो तुमको ये बताए कि जितना पहले और दूसरे चैप्टर में लिखा गया है क्या उसका पालन हो रहा है. अगर उसका पालन हो रहा है देन यू वेर समवेयर रीचिंग टू दिस थिंग्स. अगर उसका पालन नहीं हो रहा है देन यू आर नो वेयर हियर नियर टू दिस. यम नियम एज अ फाउंडेशन पालन होना चाहिए, बाधक तत्व साधक तत्व एज फाउंडेशन होते रहना चाहिए, आपके खान पान के ऊपर जो आपका डिसिप्लिन है वो मेंटेन रहना चाहिए, आपकी दुनियादारी की तरफ जो अटैचमेंट है वो मैनेज होते रहना चाहिए. इसीलिए तो पतंजलि बोलते हैं ना कि अभ्यास वैराग्य दोनों साथ में ही चलते हैं. और वो अभ्यास वैराग्य की बात हम भगवद गीता में भी पढ़ते हैं. तो जब तक वो त्याग की भावना अभ्यास में कन्वर्ट होकर अगर आगे नहीं आती है, ये महामुद्रा के जो बेनिफिट्स यहां बताए गए हैं ऐसा समझ ली कि खाली ख्वाब में आपको देखने के लिए मिलेंगे. दे विल नॉट कम टू यू इवेंचुअली. सो वी नीड टू डू द प्रैक्टिस एंड एट द सेम टाइम फॉलो द अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस आल्सो सो दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस. इसमें यह भी लिखा हुआ है शयकासम, इट विल ओवरकम द कफ
उदावर्त प्लीह आजीर्ण ज्वरम. उदावर्त प्लीह, उदावर्त मीन्स एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड्स इन अवर एब्डोमिनल ऑर्गन्स. प्लीह स्प्लीन, दैट इज योर लिम्फैटिक सिस्टम वाला ऑर्गन. जीर्ण ज्वरम, इसमें जीर्ण ज्वरम लिखा हुआ है. कई बार इसको हम लोग आजीर्ण और ज्वरम भी पढ़ते हैं. आजीर्ण का मतलब इनडाइजेशन और ज्वर का मतलब हो गया बुखार. और बुखार कब आती है, जब हमारे शरीर के अंदर इम्बैलेंस हो, इन्फेक्शन हो, उसके वजह से हमको बुखार का सामना करना पड़ता है. इसी तरह से वो बोलते हैं कि नाशेत सर्व रोगा, इट विल डिस्ट्रॉय ऑल द डिजीजेस. जब मैं स्टूडेंट था ना, तो मुझे हमारे टीचर ने क्या बोला ना, साबिर मैं खास करके तुमको ये बोलता हूं कि डोंट थिंक दैट दिस प्रैक्टिस इज गोइंग टू टेक यू आउट ऑफ ऑल द ट्रबल. इन फैक्ट आई शुड टेल यू कि इफ यू आर प्रैक्टिसिंग दिस रेगुलरली, ऑल द ट्रबल्स विच आर मेंशन्ड हियर विल नेवर कम टू यू. दैट मीन्स दिस प्रैक्टिस इज टू बी सीन एज ए प्रिवेंटिव मेजर. इट हैज टू बी क्लियरली सीन एज अ प्रिवेंटिव मेजर. लेट अस नॉट सी इट एज ए क्यूरेटिव फैक्ट. जबकि क्यूरेटिव फैक्टर भी हो सकता है, नॉट डिनाइंग इट, बट एट द सेम टाइम इफ वी आर टेकिंग इट एज ए प्रिवेंटिव फैक्टर, द क्यूरेटिव फैक्टर विल ऑल्सो बी गेटिंग एस्टैब्लिश्ड. तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. हियर इट इज रिटन इन इंग्लिश. इफ वी रीड द ट्रांसलेशन, बाय प्रैक्टिसिंग महामुद्रा वन कैन डिस्ट्रॉय कंजम्पशन. कंजम्पशन इज क्षय रोग, कफ, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाउल्स, एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन. अच्छा, जीर्ण ज्वरम तो उन्होंने क्रोनिक फीवर लिखा हुआ है, बट एट द सेम टाइम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाउल्स किसको उन्होंने समझाने की कोशिश की, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट हियर. मे बी उदावर्त प्लीह इससे कनेक्ट किया होगा, तो आई डोंट नो. नहीं, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन तो लिखा हुआ है. इनडाइजेशन एंड फीवर, ओके फाइन डन. बट एट द सेम टाइम आर दिस थिंग्स क्लियर टू यू? समझ में आ रहा है आपको कि हम टेक्निकली इसको किस तरह से करना चाहिए और इसका प्रैक्टिस कब होते रहना चाहिए? अब शुरुआत में जब आप करेंगे तो खाली फिजिकल प्रैक्टिस होगा, इट विल नॉट गिव द वर्थ ऑफ डूइंग इट व्हाट आई शुड से इन अ कॉन्सेंट्रेटिंग लेवल और एट द कंटेम्पलेटिंग लेवल. इट मे नॉट बी हैपनिंग एट दैट लेवल. बट एट द सेम टाइम आप जानु शीर्षासन में बैठकर हील के पास पैर को लगाकर, अपने पैर को पकड़कर आप पूरक, कुंभक और मेंटेनेंस जब आप करेंगे यहाँ भ्रू मध्य में, अपना पूरा ध्यान ले जाकर, गेज ले जाकर, तो आपको ये एहसास पक्का होगा कि यू आर स्लोली स्लोली कमिंग टू दैट ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड. एंड दैट इज व्हाई वी शुड डू महामुद्रा वेरी रेगुलरली. एनी क्वेश्चन देयर इन योर माइंड रिलेटेड टू दिस? या we will go ahead and try to understand what is nabho mudra. If you see shlok number 7, yatra yatra sito yogi sarva karyeshu sarvada urdhva jivha sthiro bhutva dharayet pavanam, nabho mudra bhaved desha yogi nam rognashini. Again here it is saying rognashini, yani bimariyon ko khatam karne wala nabho mudra. To nabho mudra ko hum kaise karte hain? यत्र यत्र स्थितो योगी सर्व कार्येषु सर्वदा. वेर एवर यू आर एंड वॉट एवर एक्टिविटी यू आर इन्वॉल्व इन टू, यू कैन प्रैक्टिस दिस रिवर्सिंग ऑफ द टंग टूवर्ड्स द सॉफ्ट पैलेट. बिकॉज इफ यू आर डूइंग दिस, यू आर हेल्पिंग योर सेल्फ टू ट्रेन योर माइंड एंड बॉडी टू रिटेन द ब्रेथ. एंड एज यू डू दैट, दिस इज इटसेल्फ नोन एज नभो मुद्रा. अब देखो, हमने खेचरी मुद्रा के लिए हमने हठ प्रदीपिका में पढ़ा था कि ये जो टंग के नीचे का जो फ्रेनम है वो हमको कट करना है, वो इसमें भी लिखा हुआ है. अच्छा, ये टंग को हमको कहां लेके जाना है? न सिर्फ पीछे की तरफ बल्कि नेसोफेरिंजल ट्रैक में इंसर्ट करना. अब उसको इंसर्ट करके वहां मेंटेन करने के लिए जब कहा गया है, तो हमारा टंग उतना लंबा होना चाहिए, तो उसकी प्रिपरेशन ही नभो मुद्रा के साथ में शुरू हो जाती है. हम अभी फ्रेनम को कट नहीं कर रहे, उसका मिल्किंग नहीं कर रहे, उसका दोहन जो होता है वो नहीं कर रहे, उसको चुमटे से पकड़कर बाहर नहीं खींच रहे. जो सब कुछ हमने सीखा,
हठ प्रदीपिका में, इसमें भी लिखा हुआ है कि तुमको जबान को पकड़कर बाहर की तरफ खींचना है ताकि जबान तुम्हारी लंबी हो जाए, ताकि तुम खेचरी कर सको। लेकिन ये नभो मुद्रा एज ए प्रिपेरेटरी प्रैक्टिस फॉर खेचरी ही इज इंट्रोड्यूसिंग टू अस फर्स्ट। व्हाट ही सेज, वेरेवर ही बी एंड इन वॉट एवर एक्टिविटी अ योगी मे बी एंगेज्ड, कीपिंग द टंग अपटर्न्ड टुवर्ड्स टर्न्ड अपवर्ड्स, वन शुड ऑलवेज रिटेन द ब्रेथ। दिस इज नभो मुद्रा दैट डिस्ट्रॉयज द डिजीजेस ऑफ द योगी। जैसे उन्होंने कहा ना, योगी नाम रोग नाशिन। तो मैं आपको एक बात बोलता हूं, हम कई लोग इसको क्या समझते हैं कि हमारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। हमारी बीमारियां जो है अलग हैं, और एक योगी की जो बीमारी है वो भी अलग है। योगी की बीमारी कौन सी है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना, या फिर जो है शायद हो सकता है आपने कुछ योगिक प्रैक्टिसेस ही की हो, और योगिक प्रैक्टिसेस करते हुए आप जो है अपने आप के लिए प्रॉब्लम करके बैठे हुए हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ प्रैक्टिसेस गलत तरीके से करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो यहां पर वो कहते हैं कि नभो मुद्रा करो। नभो मुद्रा करने से जो है जो योगियों की जो बीमारियां होती हैं वो सेटल हो जाती हैं, उनका नाश हो जाता है। तो रोगियों की बीमारी जैसा कॉन्सेंट्रेशन से मैंने तो कह दी, योगियों की बीमारी ये भी हो सकती है कि बॉडी के अंदर जो है डिहाइड्रेशन होकर पानी की कमी हो गई हो। तो कहीं ना कहीं नभो मुद्रा करने से जो क्षार का लेवल है हमारे शरीर में, अल्कलिनिटी का जो लेवल है, वो बहुत बढ़ जाता है। एंड दिस रियली हेल्प्स टू रिड्यूस द एसिडिक लेवल इन द बॉडी, फिजिकल बॉडी, हाँ एसिडिक लेवल को ये कम कर देता है। नो डाउट द हीट ऑफ द बॉडी इज गेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड टू द सटल existence of our body, but you will feel that this kind of cooling is helping you to glow with your skin, to overcome the acidic nature, the pitta ko ye shant kar deta hai, aur ye nabho mudra se jo hai aap aage ke practices ke liye ready ho jate hain. To any question in your mind related to nabho mudra, the next practice which we are going to learn or understand and know again is going to be Uddiyan Bandh. Nabho Mudra clear ho gaya aap logon ko kaise karna hai? You are just reversing your tongue and taking it towards the soft palate. Of course, sitting position barabar hona chahiye. Nazar jo hai hamari bhru madhya ya naak ke tip par hona chahiye. Aur hum jab Nabho Mudra karte hain तो जीभ को जब पीछे लेके जाते हैं तो ब्रीद इन करके हम अंदर सांस को रोक कर रख सकते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट गोइंग टू मेक अस हेल्प प्रिपेयर फॉर फोकसिंग कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन एस्पेक्ट इवन एट अवर ब्रीदिंग लेवल। या शुड वी गो अहेड, बैक ऑफ द टंग इज टचिंग द सॉफ्ट पैलेट, इज दैट राइट? सॉफ्ट पैलेट, टिप ऑफ द टंग, which only the tip of the tongue, not the, if back of the tongue is touching, you are very lucky. It doesn't happen initially, only the tip of the tongue you will find touching there, kahin to jaake. The back of the tongue will reach only when the tip of tongue has gone further ahead. Aur ye yahan keh rahe hain ki ye kahin pe bhi kisi bhi samay mein kiya ja sakta hai, is that right? See, when we say kahin bhi kisi bhi samay kiya ja sakta hai, it is only an understanding ki you please do it so many times that you are preparing for the other practices. Ab kahin bhi kisi bhi samay karne ke liye shayad ho sakta hai ki jo karya aap kar rahe hain wo karya phir barabar se nahi hoga, kyunki aap ye karenge wo karya mein rehkar to ye barabar nahi hoga. Imagine I am going to my kitchen and cooking some food for myself and my wife, and that time I realize ki chalo नभो मुद्रा करते हुए खाना बनाता हूं। नभो मुद्रा करते हुए अगर आप खाना बनाने के लिए वहां पर किचन में खड़े हो गए तो पता ये चला कि नमक डाला कि नहीं डाला याद नहीं। सी, ये इन्होंने कहने के लिए तो कह दिया, बट अगेन इट विल नॉट सर्व द पर्पस। इनका कहने का मतलब क्या मालूम है, इसको रोजाना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, कहीं भी हो आप। हाँ, इसमें लाइक भोजन के इतने समय बाद करना ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ऐसा सारे योगिक प्रैक्टिसेस के लिए है।
क्योंकि क्योंकि भोजन के बाद जो है हमारे शरीर का फंक्शन ही चेंज हो जाता है, मेटाबॉलिज्म में हम आ जाते हैं, हमारी अग्नियां जो है वो एक कार्य में लग जाती है। अगर जब वो हमारा हार्मोनल सिस्टम, हमारा अग्नि वगैरह सब एक फंक्शनिंग में लगा हुआ है डाइजेशन के, और हम फिर योगिक प्रैक्टिसेस में जाने की कोशिश करेंगे, तो दिस विल डिस्टर्ब द डाइजेशन प्रोसेस इटसेल्फ। सो एवरी योगिक प्रैक्टिसेस शुड बी डन एम्प्टी स्टमक, एंड इट शुड बी डन इन सच अ वे दैट योर स्टमक इज एम्प्टी, द बॉडी इज नॉट गोइंग थ्रू एनी अदर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज यू आर डूइंग दिस। So good that you asked. Yeah. Ah, it is already 12:17. So I think we should stop here. Odhyan Bandh we will take up in the next class. Any other question in your mind before we go ahead and chant the prayer? Okay, fine. First we will do the prayer. Sit erect. Back erect, shoulder proper, closed eyes, observing your breaths. Inhale. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shantihi. Gently open your eyes. Thank you. Jai Kumar, I feel you have slightly put on. You are looking very healthy. Maybe I am wrong also. Huh? Maybe you are sitting very close to the camera today. That's why I'm saying this. Yes, I'm close to the camera. This is my mobile phone. My laptop got repaired. So, but this is good. This is good. Yeah, yeah. But it doesn't mean that mobile has become healthy. So any sharing coming up? How about morning session, Ashutosh ji? Yeah, morning. My morning sessions have been regular. But I have found that I am not. By the time I finish, it is about 45 to 50 minutes. Okay. So somewhere I may have to increase a little bit of asanas. I may have to do that, but I'm enjoying not it. Necessarily. And, not necessarily. Not necessarily, sir. Let me tell you, not necessarily. You should increase. Aisa kuch zarurat nahi hai. 45 se 50 minutes, whatever you have planned and you have done it, it is well and good. No doubt, if you want to increase, you should increase. But at the same time, if you feel ke 45 se 50 minutes tak main jitna plan karta hu, utna sab kuch ho jata hai, then it is enough. Right. So, and I'm also doing Jalaneti, and I'm feeling good about Jalaneti also. But I think Sunil ji, aapne kaha tha ki Jalaneti Suryoday ke samay honi chahiye, wo nahi ho pa rahi hai, wo uske baad mein ho jati hai. Matlab सूर्य के मेरे ख्याल में प्रकाश से क्या होता है कि जो पानी अंदर जो जाता है वो थोड़ा सा इवेपोरेट होने में आसानी हो जाती है। बाकी साबिर भाई कैन नहीं, यू कैन प्रैक्टिस एनी
टाइम इनफैक्ट ऐसा कुछ मतलब सूर्योदय के समय अर्ली मॉर्निंग जब सूरज निकला हुआ तब हम प्रैक्टिस करें तो बहुत ही अच्छा है. बट एट द सेम टाइम कि ऐसा ऐसा कोई हार्ड एंड फोर्स रूल नहीं है कि भाई हमको इसी समय करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं. इट इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर. शुड इट बी डन आफ्टर फिनिशिंग एवरीथिंग? नो नो नो, इट इज बेटर टू डू बिफोर बिफोर आसना. हाँ, बिफोर आसन. ओ आई सी. ओके ओके ओके. एंड आफ्टर डूइंग जलनेति मेक श्योर दैट यू आर रिमूविंग द accumulated water from your sinus by doing blowing of the nose from right, left, both. Haan. Okay, okay. No doubt. पानी रहता है ये मुझे पता ही नहीं है कि उसमें पानी रहता है थोड़ा. सर आपका नहीं रहता होगा क्योंकि sometimes it is not seen in everyone, but there are people who find it locked there and later on they have cold, they have infections and all. So it is better that you drop your head down with your crown of the head coming to the floor as if, and you're blowing the nostrils out because you will be reversing the cups and the water will drop down. Oh, I see. Okay. And you can do it before the practice of Sukshma Vyayam or after Sukshma Vyayam you're done, you can do Jalaneti and then continue with the practice. Jalaneti, Kapalbhati, Shasan Marg Shuddhi you have done and then you can go ahead. Okay. Yeah. Is Jayakumar also joining the session in the morning, Ashutoshji? No, I'm doing on my own. I'm doing it on my own. Okay. And I'm going to check with you and then we can have one weekly session with Jayakumarji. Yes, sir. Uh-huh. How about you? Are you doing it regularly? In fact, when there was a sudden stoppage of the classes, immediately the idea had come that it is now our testing time and we must do in fact better because we were free now, no commands now. And that was the testing, and believe me couple of days were very very good. I will not say that all through, but couple of days were very very, in fact I was I switched on my mobile with the flute meditation music for whole 1 hour by Haripsa Charasya ji. There is a good meditation music. So anyway, that continued. But since there was no compulsion, I missed out also occasionally. Chalo, miss out karte. Now this also happened quite a few times. I hope maybe 50-50 also. But whatever is done, it was done definitely to the best extent. And we felt, and I felt personally that it was good. I was rather more motivated that I have done it, honestly. I think we must proceed on that. In fact, once upon a time, I thought that we coordinate with Jayakumar, that let us do sometimes. But leaving to us is also a challenge. I think that is important. And I'm sure Jayakumar is always available whenever we want. We will borrow his time. So let's increase it. Self-development is definitely propagated. We must adopt into practice also. We sometimes, because become loose because of the nature of the mind. But anyway, that should not come in the way, and we must do it regularly. Yeah, to take responsibility and to carry it out itself is a very big step towards yoga, no? Yes. That's really important. So in fact, when it was a start, I was very happy. Let us do whatever we. Instead that somebody is giving instructions, khud kare. Or it was very good, in fact. For some days, it was very, very good, I tell you. But it did not last for long. Kabhi kabhi hota hai, chalo, achha,
वो स्किप जो होता है कहीं कहीं, तो वो और हो भी जाए तो मेरा ख्याल ये कंटिन्यूअसली 3-4 days ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज देन द बॉडी गोज इन टू रिवर्स गियर. देन फिर आप देखिए 4-5 days नहीं करिए और 6 days यू कम, देन ऐसा लगता है कि स्टिफनेस आ गई बॉडी. तो इट शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऐसा लगता है. शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर वी कंप्लीट मुद्रा चैप्टर इन भेरेंट संहिता भी मे रिक्वायर 1 or 2 सेशंस ऑन मुद्रा. डेफिनेटली डेफिनेटली मैं तो आज शबीर भाई से आज ही करने वाला अंडर सुपरविजन देन आई थिंक यस बिकॉज़ वी मे नॉट लर्न ऑल द 25 मुद्रास बट सम मुद्रास आई थिंक मूल बंध जालंधर बंध उडियान बंध and along with that we have also learned tadagi mudra and we have also learned the jivha bandha siham mudra and brahma mudra if you remember when we were